हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारी आज की भारतीय रेलवे की यात्रा, जो कि वर्चुअली होने वाली है, ना कि रियल में। तो वर्चुअली करेंगे इन रेल वर्क 3, या फिर आप कह सकते हो ट्रेन सिमुलेटर, या फिर आप कह सकते हो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो मैसेज आया वो आया है, वैभव भाई बोल रहे हैं, कैसे है राहुल भाई, मतलब सरप्राइज टीम सीआरजे वाली थी, अब समझे। बिल्कुल सही बात है। तो सीआरजे एक्चुअली हमने काफ़ी टाइम से उड़ाया नहीं था, तो मैं सोच रहा था यार कि नया एयरक्राफ्ट भी लेके आएँ, क्योंकि जो हम फ्लाई कर रहे हैं अभी 320 737 है, तो साथ में दूसरे एयरक्राफ्ट भी होने चाहिए। 787 हो गया, 330 हो गया, सीआरजे हो गया, और साथ में अभी एटीआर भी है। तो ऑप्शन हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन यूजली हम मोस्टली दो ही एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि जो हमने रिक्वेस्ट खोल रखी थी ना हमारे व्यूअर्स की, कि भैया रिक्वेस्ट करो आप कौन सी फ़्लाइट देखना चाहते हो, जो भी बंद हो चुकी है, वो वाली रिक्वेस्ट थी ना, जो उनकी वजह से ये था कि मोस्टली जो भाई लोग थे हमारे, वो हमारे इंडियन मतलब क्या नाम है, 320 या 737 की रिक्वेस्ट ही डालते थे। तो अभी हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम दूसरी क्या नाम है इसका एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर सकते हैं, दूसरे वर्ल्ड के दूसरे रीजन में भी जा सकते हैं। तो उसकी वजह से अभी हमने वो चीज़ शुरू कर दिया है। चिंतन भाई का मैसेज है, वैभव भाई IAF फाइटर जेट पायलट को जी फोर्स ट्रेनिंग देते क्या, और एंड जी फोर्स एक्सपीरियंस में कैसे फील होता है, बताओ भाई। वैभव भाई, वैभव भाई का आगे मैसेज है, हाँ भाई मैंने 9.2 GS मैक्स पुल किया था लास्ट वीक। ओके तो भाइयों, मैं खा रहा हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़, बड़ी टेस्टी है, मोजम्बिक। आप देखना, मोजम्बिक का कंट्री है यहाँ पे पड़ोस में, तो वहाँ से कोई आया था और वो लेके आया था, है मूफली जैसे, पता नहीं मुझे, मेरे को मूफली है क्या है, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी है। उन्होंने शायद इसको भुना भी ना अलग तरीके से हुआ है, बहुत टेस्टी है दोस्तों, इतना जितना बोलो उतना टेस्टी है ये। और सच्ची जैसे आपको क्रंचीनेस सुनाई दे रही है इसका, जब मैं खा रहा हूँ तो अल्टीमेट फीलिंग की बात करें तो यही कहूँगा कि जितना पसीना अब बहेंगे उतना काम कम खून बहेगा युद्ध में, और तेरी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है ये। तो भाइयों प्लीज़ लाइक कर देना, 2 मिनट रहते हैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और बस रेडी रहिए हमारी आज की भारतीय रेल की यात्रा को। और आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा दोस्तों कि जो हमारी आज यात्रा होने वाली है, जिस ट्रेन में, वो ट्रेन को होल करेगा वैब 4, और वैब 4 का भी रिसेंटली अपडेट आया था, तो देखते हैं क्या उसमें अपडेट में चेंजेस हैं क्या नहीं। होपफुली एवरीथिंग वुड बी बेस्ट। जिन भाइयों को पता है क्या चेंजेस हैं इसमें वैब 4 में, तो बता देना, मैंने जस्ट अपडेट कर लिया, मेरे को ज़्यादा नहीं पता कि क्या उसमें होने वाला है, चेंज होने वाला है। विवेक भाई हेलो जी, कैसे हैं। प्लीज़ भाइयों लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले 10 लाइक कर दो। ऑब्वियस ही बात है जब दूसरे व्यूअर्स आएंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन आप मेक श्योर के लाइक कर दिया आपने। 1 मिनट और 7 6 5 4 3 2 1, 1 मिनट बाकी है पूरा। यार ये ना जो मूंगफली सी मैं खा रहा हूँ, गजब टेस्टी है यार, मैं आपको बता नहीं सकता यार, मतलब मेरे इतना, मतलब अगर दिख जाए ना, यू कांट रजिस्ट, आप खाओगे ही खाओगे उठा के। जी फोर्स भाई, आपकी पूरी बॉडी आपके कमांड से बाहर हो जाती है, तो उसी को हैंडल करना सिखाते हैं। ओके 21 सेकेंड। हेलो मोहित भाई, क्या हाल चाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू टुडे जर्नी। और टाइम हो रहा है भाइयों 6 5 4 3 2 1, और दबा दो लाइक बटन भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और करते हैं हमारी आज की स्ट्रीम को स्टार्ट। मेरा कैमरा अभी, जो आपको उस दिन बोला था ना कि बेड खिसकाया हुआ है,
बेड हो चुका है ठीक, तो मेरी वापस से वही पोजीशन आ गई है बिल्कुल मॉनिटर के सामने। और मैं आपको ये बता रहा था ना, जो मैं खा रहा हूँ मूंगफली जैसा लग रहा है, वो देखो ये है बिल्कुल सेम मूंगफली जैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको पकाया अलग तरीके से हुआ है, और शायद हो सकता है मूंगफली ना भी हो, कुछ और हो, मैं पूछ के पूछूंगा एक्चुअली। कमर्शियल फ्लाइट पे जो आपको टेक ऑफ के टाइम फील होता है उसी को 3 गुना कर दो तो आप सो सकते हो। वेग भाई बोल रहे हैं मेरा न्यू सिनेरियो अपडेट हो चुका है, बस अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक। अच्छा तो चलिए दोस्तों आज की जर्नी शुरू करते हैं। ये हमारा सिनेरियो 16305 हमारा ट्रेन नंबर है, और जो हमारा है क्या ट्रेन का नाम एर्नाकुलम कन्नौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, और ये दोस्तों पार्ट 1 ऑफ 3 है। ये रिसेंटली आया था सिनेरियो, ये भी रिसेंटली आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगी इसको देखने के लिए, वेब 4 को देखने के लिए। तो FLG वेब 4 हमारा यहाँ पे है भैया, ये देखिए इन्होंने ना वेब 4 का नाम भी बदल दिया क्योंकि इसका अपडेट आया ना, बाकियों का अपडेट आया नहीं, तो वहाँ पे अभी भारत स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये देखो। एक्चुअली ये तो सिनेरियो की बात करें तो सिनेरियो में भी जब सिनेरियो का अपडेट आएगा तो उसमें ही नाम चेंज होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यार इन्होंने ये देखो ये कंप्लीटेड में टिक लगा हुआ है। चले कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर दोबारा से खेलते हैं। टिक कैसे लग गया मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो खेला ही नहीं अभी ये। और अगर मैं आपको दिखाऊं, चेक करूं, क्रॉस चेक करूं, तो सिनेरियो पता है आपको, बताता हूं मैं कभी कब रिलीज हुआ ये सिनेरियो 16305 सिनेरियो, मैप में चेक कर रहा हूं, ये हुआ है सिनेरियो रिलीज भैया 3 दिन पहले। पता नहीं है क्यों बता रहा कि मैंने खेली है, या हो सकता है डुप्लीकेट होगा, पहले इसका ऐसा कोई सिनेरियो बना होगा, किसी और ने बनाया होगा और ये दोबारा आ गया। चलिए दोस्तों लेफ्ट साइड में हमारा फास्ट लाइन गेम्स का हमारा वेब 4 है, केरला वर्जन 1 हमारा रूट रहेगा, समर का सीजन, क्लियर स्काई है, क्लियर वेदर है, और सुबह के 5:40 पे हमारी जर्नी हो रही है स्टार्ट। स्क्रीन ब्लैंक शो कर रहा है, अरे यार विवेक भाई शुक्रिया, धन्यवाद आपका बताने के लिए, और मैं आपको दोबारा एक्चुअली मैंने दिखाया कुछ नहीं है, वो मैं अपना दूसरी स्क्रीन के ऊपर ही चेक कर रहा था, जो सिनेरियो का था ना रिलीज डेट वगैरह वो दूसरे मॉनिटर के ऊपर ही चेक कर रहा था, तो दिखाया नहीं था। चलिए ऑन टाइम हमको पता चल गया। और आपको आवाज़ आ रही है यार, मेरे को तो नहीं आ रही आवाज़। मेरा मन कर रहा है, मैं मुट्ठी भर के लेके आया था जो भी खा रहा हूँ ना उसकी, मेरा मन कर रहा है और जाके एक मुट्ठी और भर लाऊँ। आ गई आवाज़, आ गई, आई थिंक आपको भी आ रही होगी आवाज़। गुड मॉर्निंग लोग पायलट, पायलट फर्स्ट शंट योर ट्रेन 16305 एर्नाकुलम कन्नौर इंटरसिटी एक्सप्रेस टू प्लेटफॉर्म, जस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड टाइम टेबल अराइवल्स एंड डिपार्चर एट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा, डिपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एट 5:47। ठीक है भाइयों, टाइम देख लेते हैं हमारा कितना हुआ है, 5:40 25 हुए हैं, अभी 2.5 मिनट के करीब बाकी हैं, तो चलते हैं लोको के अंदर और आपको दिखा देता हूँ। ये लोको हमारा ये खड़ा है, तो अपडेट आया इसके बाद हल्का सा ऐसा लग रहा है कि दिखने में तो सुंदर लग रहा है मेरे को, अंदर चलते। ओहो हाँ भैया हाँ, आया है अपडेट, ठीक है, और इसको ऑन करने का कैसे रहेगा मेरे को बता देना भैया, मेरे को 1 मिनट में देखूँ ये क्या चीज़ है, ये तो है पेंटोग्राफ। अरे यार ये ऑन कैसे होगा भैया, जिस जिन्होंने चलाया है ना मेरे को बता दो थोड़ा सा, इसके ऊपर बटन वगैरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे। यार मैंने सिनेरियो उठा तो लिया, लेकिन ऑन कैसे करना है इसको ट्रेन को, आवाज़ आ रही है, शुक्रिया भाई, आ रही है आवाज़, शुक्रिया जी, स्क्रीन ब्लैंक शो कर रहा था। यार मेरे को बताओ, आए क्या साउंड है यार, अल्टीमेट, वाह
हाई राइज। लेकिन ये काम नहीं कर रहा यार ये बटन। कैब फैन, कैब तो हमको चाहिए नहीं है। मार्कर स्विच रेड मार्क, ये हमारी हो गई है। एच टी कंपार्टमेंट लाइट्स। अच्छा ये कौन सी लाइट होती है भैया? हेडलाइट ब्राइट स्विच, हेडलाइट भी ऑन कर देते हैं, हेडलाइट डिम स्विच ये भी कर देते हैं। और ये क्या, कैब इंस्ट्रूमेंट स्विच। यार कैब के इंस्ट्रूमेंट, अरे यार बहुत बढ़िया। लेकिन ऑन कैसे करेंगे इसको, ये हिल ही नहीं रहा यार। पेंटोग्राफ, येलो लाइट के लेफ्ट साइड में इंजन ऑन करने का ऑप्शन है, येलो लाइट के। ये रहा, ठीक है ये हो गया ऑन। ये क्या है इसका, बी की ऑन ऑफ ड्राइवर। ठीक है भैया अब मेरे ख्याल से हम बात बन जाएगी। ये देखो पेंटोग्राफ भी हमारा उठ जाएगा, अभी वो उठ रहा है। आगे से देखिए वाइट मार्कर, हमारी वाइट भी आ चुकी है और टाइम हो गया। चलिए लोकोमोटिव भी स्टार्ट हो गया, जल्दी से सेट कर लेते हैं सब कुछ। चलिए डोर खुल गया यार, बढ़िया लग रहा है इंटीरियर। पहली बात इंटीरियर जबरदस्त लग रहा है, और दूसरी बात अच्छा भी लग रहा है। हॉर्न वगैरह जितने बना रखे हैं ना, तो डिपार्चर हमारा हो गया यहाँ से। और टास्क लिस्ट खोल के देखते हैं, अभी यहाँ से निकल चुके हैं और हमको पहुँचना है भैया, एक मिनट, 8:40-43 पे चलना है यहाँ से, और 8:45 पे पहुँचना है हमारा जो ओला पॉइंट है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं है। हल्का सा ये देखिए बड़ी स्पीड खींच रहा है भैया, ये 220 मीटर हमको जाना आगे, और 5:45 का टाइम है वहाँ पे पहुँचने का। फिर रिवर्स करना है 5:46 पे, और पिट लाइन एंड पे जाना है हमको 5:56 पे। तो ब्रेक लगानी मैंने शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। लेकिन अंदर की एक तो हमको कैब की लाइट लाइट चाहिए थोड़ी देर में। आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल स्काई दिख रहा है बिल्कुल। और ये हुआ जीरो, और वी आर ऑन टाइम। जी हाँ जीरो हो गया। ओके भाई ये तो रिवर्सर मैंने डाल दिया है, और होपफुली हम पीछे पीछे को लेके जाना होगा इसको। देखें आप नहीं बता रहा ये, अभी बैठ जाएंगे पैसेंजर उसके बाद दिखाएगा। तो लेट्स लेट्स सी क्या रहेगा। रिवर्स एंड डिपार्ट, हाँ जी 5:40 पे हमको निकलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5:45 का टाइम अराइवल का है, 46 पे हमको रिवर्स डालना है, और टिक लग चुके हैं दो। बहुत बढ़िया, इसको मैं हटा देता हूँ और अपनी साइड को चेंज करती हूँ, हमको इधर जाना। यार यहाँ पे कैब लाइट ऑन है, वहाँ पे कोई बटन होना चाहिए कैब का। एक मिनट, कैब फैन स्विच चाहिए, टॉगल, ये पेंटो का हो गया, हाई राइज पेंटो। अच्छा ये आई थिंक हाई राइज का मतलब पेंटोग्राफ की जो नॉर्मल हाइट है ये उससे भी ज़्यादा शायद ऊपर उठता होगा। विवेक भाई बता देना अगर ये बात सही है तो। रिवर्सर डाल तो रखा है, अभी ये रिवर्सर किस साइड में लेगा, नहीं इस साइड में नहीं जाएगा। अरे इतना दूर जाना पड़ेगा यार, हमारी डायरेक्शन यहां से पता नहीं चल रही क्योंकि परपेंडिकुलर आ गया वो, और मेरे को यहां पे देखना पड़ेगा। अभी सेंटर का प्लेयर और हमारा लोको जा रहा है आगे। शो टास्क, नहीं भैया हमको वापस जाना पड़ेगा बैक, इसका मतलब हम पहले सही चल रहे थे यार।
अमन भाई असिस्टेंट लोको साइड स्विच, एक मिनट। जय शंकर दी शर्मा जी, क्या हाल चाल है? अमन भाई बोल रहे हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है? उल्टा जा रहा हूं मैं, सेंटर का प्लेयर, ये देखो। ये अंधेरा क्यों हो गया इस साइड में? वाह, हाँ अभी ठीक हुआ है, मैं तो घबरा गया था भैया क्या हो रहा है ये। अब देखते हैं किधर को जाएगा लोगों। नौ नंबर, अब सही जा। मेंटेन गिवन स्पीड होल्ड, तो भैया स्पीड हमको मेंटेन करनी है। इसका स्विच बड़ा अच्छा है यार हॉर्न का, एक बार मैं चेक कर लूँ यार हमारा डिस्टेंस कितना कम हो रहा है ना। 3:12 है यार, ये डिस्टेंस दिखाई नहीं रहा कम होता हुआ। और 6:56 पे ये बोल रहा, 5:56 पे हमको पहुंचना है वहाँ पे। हाँ हो रहा है, कम हो रहा है, हो रहा है। ओके नो इश्यूज़, नो इश्यूज़। ये हमारा शेड आ गया सामने, और ये हमारा स्टेशन। सुबह सुबह का टाइम मैं आप बाहर से आपको दिखा दूँ एक बार। देखो दोस्तों क्या स्काई कलर, देखो आसमान में क्लाउड्स, मिक्स क्लाउड्स, और यहाँ पे पर्पल और क्या बोलते हैं इसको, पिंक ऑरेंज कलर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल अल्टीमेट लग रहे हैं यार, दिख रहे हैं ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये सारे हर तरफ में बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसकी जो हमारे लोगों की लुक है ना, ये मुझे इम्प्रूव लग रही है। आपने कैब तो देख ली यार, कैब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है पहले से, और लाइटिंग वाइटिंग जो है, इंस्ट्रूमेंट लाइट्स बहुत बढ़िया लग रही है। चलिए ये सामने ऐड चल रही है किसी चीज़ की, केरला की शायद ऐड थी, मैंने देख नहीं पाया प्रॉपर टाइम की। ओके भाइयों, तो 2.83 किलोमीटर और जाना है हमको, स्पीड हमारी लिमिट आपको पता ही है कम है। तो 56 तक पहुंचने के लिए हमको टाइम बहुत दिया गया। अभी हमारे पास ये लगा लो 8 मिनट, 7, 7.5 मिनट बाकी है। अगर हम स्पीड को प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे शायद पहुंच जाएं, लेकिन अगर कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो मुझे लगा। इसके बाद अच्छा असिस्टेंट लोगो पायलट वाली साइड और स्विच और लगा हुआ है, ये रहा आई थिंक। नहीं 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 ये वाइपर है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है यार पूरा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। है थोड़ी सी धुंधली लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। ड्राइवर कैब लाइट स्विच, ये रहा लाइट ऑन हो गई है, और ये तो ये भी काम कर रहा है यार, ये फ्लैश स्विच है, तो ये काम तो नहीं करेगा फिलहाल। स्पीड हमारी थोड़ी सी बढ़ाते हैं क्योंकि 30 की स्पीड हमको मिली हुई है, अगर हमने स्पीड नहीं बढ़ाई तो भैया काम खराब हो जाएगा हमारा। क्या हॉर्न है यार, बहुत बढ़िया। ये हमारा स्पेस बार वाला हॉर्न है, और ये हमारा एक्स वाला हॉर्न है सेंटर। आप बताओ आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लगा, मैं दोबारा बजा के दिखाता हूँ आपको सारे के सारे हॉर्न। पहले स्पेस बार, और अभी एक्स वाला, और अभी दोस्तों बजाऊंगा मैं बेल वाला। सब बोलेंगे बेल वाला अच्छा है मेरे ख्याल से। चिंतन भाई, वैभव भाई, ओके। इसके बाद अमन भाई का मैसेज हो चुका है, कैब लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, सुबह सुबह का टाइम है तो कैब लाइट तुमको चाहिए। ये क्या लगा है यार ऊपर, ड्राइवर कैब लाइट राइट। ओह ये देखो यहाँ पे भी छोटा स्विच लगा हुआ है, येलो लाइट, ये देखो सिग्निंग नहीं, ये खुलेगा क्या? अगर ये भी खुल जाए तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब हमारे ऊपर भी एक स्विच लगा होना चाहिए, देखो ये कर दिया ऑन और ये कर दिया बंद। वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो स्पीड हमारी चल रही है 1.70 किलोमीटर रहता है, और टाइम भी मुझे लग रहा है कि हमारे पास सही चल रहा है, कोई ज़्यादा हम ना जल्दी हैं ना लेट हैं, बहुत सही। मोहित भाई बोल रहे हैं बेल वाला, हाँ मुझे पर्सनली वही अच्छा लगा सबसे ज़्यादा,
और मुझे भी लग रहा था वो एक अलग सा साउंड करता ना, आप सबको भी शायद वही अच्छा लगेगा। अरे मुझे लगा कि दीवार वो उसमें घुस घुस जाएगा घर में। स्पीड को थोड़ा सा स्लो करते हैं। ये मैसे रिट्रैक्ट क्यों हो गया आपका मोहित भाई? मोहित भाई आपने नोटिस किया होगा जिस दिन ATS की मतलब लाइसेंस थी ना, उस दिन मैं आपके मैसेज पढ़ नहीं पाया, बाद में मैंने इकट्ठे पढ़े थे। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो ड्राइविंग वाली गेम है ना उसमें रोड ऐसे ऐसे चलती है और आपको हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ती है उसके ऊपर, रोड के ऊपर। सो आई कुड नॉट रीड योर मैसेज। साथ के साथ यार मेरी मूठियाँ ख़त्म हो गई और मेरा बहुत मन कर रहा है मूठियाँ खाने का। तो भैया 53 हो गए हैं और अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है, तो शायद हम पहुंच जाएं टाइम पे। लेट्स सी, हाँ पहुंच जाएंगे। 5:56:30 का टाइम है एक्चुअली। और यहाँ पे LHB कोचेज खड़े हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी साउंड तो नहीं की लेकिन डोर भी मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे LHB कोचेज का। तो होपफुली जब हम अगली बार LHB कोचेज में यात्रा करेंगे तो डोर भी हमको देखने को मिलेगा होपफुली। भाई प्लीज़ लाइक कर देना, शुक्रिया। कैसा लगता है ना ये अलग सा? तो इसका दोस्तों जब आप ये लोको ड्राइव करते हो ना इसका एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी स्लो लगती है। और देखो पेंटोग्राफ उल्टा ही खींच रखा है हमने, उसकी ना ब्रेक थोड़ी सी स्लो लगती है। तो अगर आप ब्रेकिंग लगाओगे ना तो थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रख के ब्रेक अप्लाई करना। और अभी हमारा डिस्टेंस कितना बाकी है यार, ये ना ओवर स्पीड का साथ ही साथ आने शुरू हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँ, स्लो लोको को। अभी बाहर से सुना रहा हूँ आपको, इरोड दक्षिण रेलवे। तो हमारा दोस्तों एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 5:55:53 का बता रहा है, 5:56:30 का ऑफिशियल है। तो हमको स्पीड अभी बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं है, आराम से चलेंगे। 20 की स्पीड है तो आई विल अप्लाई ब्रेक्स जब 80-90 मीटर रह जाएगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट पे जाके ही रुकेगा आई थिंक। ये शेड क्रॉस करेगा क्या ये तो सामने है? हाँ शेड के अंदर से घुस के जाएगा। और बजा रही है, अगर शेड के अंदर कोई है तो वो साइड में जाएगा। तो 180 मीटर रह गया अभी और स्पीड हमारी बिल्कुल सही चल रही है फिलहाल। तो 56:04 का टाइम हो गया हमारा एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। मोहित भाई बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो दिया है लोको के अंदर वो भी वर्क करना चाहिए, फिर और भी रियल लगेगा ड्राइव करने में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पता है मोहित भाई के इसका अपडेट कितने टाइम के बाद आया और इन्होंने जो अपडेट दिया चलो ठीक है कुछ तो आया नया देखने को मिला। तो आई विश के जो आप बोल रहे हो कि उस टाइप का अपडेट भी अगर फास्ट टाइम गेम्स वाले जल्दी कर दें, विश्वजीत भाई जल्दी कर दें तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। सही बात कह रहे हो आप। हल्की सी ब्रेकिंग लगानी शुरू करते हैं। देखो कैसे ब्रेक लगाता है, बहुत स्लो ब्रेकिंग है इसकी। लोगों का ओके भाइयों हमारा ये रुक जा भैया ओके। तो इसके बाद अभी कैब चेंज करते हैं, ऑब्वियसली बात है हमको उधर ही जाना है। एक बार मैं बाहर से देखूं, हाँ अभी सही हो गई है। ये लाइटें ना अपने आप देखो कैसे चेंज हो जाती हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं कैब के अंदर जाऊंगा ना और मैं कैब चेंज करता हूँ तो देखो लाइटें अपने आप चेंज हो गई, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पेंटोग्राफ जरूर ऊपर नीचे करना पड़ेगा लेकिन लाइटों को करने की ज़रूरत नहीं है।
5:57 पे हमको निकलना है, तो जल्दी से कैब चेंज करते हैं और चलते हैं भैया। ओके जी, तो ब्रेक्स रिलीज्ड, एक बार फिर से शंटिंग चल रही है हमारी, पिट लाइन सी में जाना है, 370 मीटर बाकी है, स्पीड लिमिट हमारी भाई 20। चलिए, चल पड़ा है हमारा लोको फिर दोबारा से, एक बार फिर यहाँ पे हमको जाके रुकना है 370 मीटर पर। अब सही है यार, ऐसे चलते ही अच्छा लगता है लोको। और यहाँ का कोई टाइम नहीं है हमको कितने बजे पहुँचना है, तो जब भी पहुँच जाएंगे ऑल लुक गुड, ऑल गुड। ये देखो पहले हम गए थे और शेड के अंदर से आए थे, तो अभी जो लेफ्ट को ट्रैक है ना, शेड हमारा राइट में रहेगा। अठारह मीटर रह गया बस, तो पिट लाइन में दोस्तों वो ट्रेन लगी हुई है शायद, उसको हमको खींच के लगे आना शायद प्लेटफॉर्म पे उल्टा चला के, और उसके बाद शायद हमको हो सकता है कि वहां पे जाके दोबारा शंट करना पड़े। ओके भाई, आपको बाहर लेके चलता हूँ और बाहर से दिखाता हूँ ये शंटिंग का व्यू। नहीं, इसको ट्रेन को शायद आगे लेके जाएंगे हम वापस दोबारा से। ब्रेक्स रिलीज्ड, इसने पहले ही वो देख लिया, लगा इसको कपल द कोचेस। ओके, तो यार सही कर रहे हैं हम, अनजाने में सही काम हो गया। यार अभी कपलिंग का चक्कर ना पड़े, बस कपलिंग का चक्कर पड़ रहा है बिकॉज हाँ हो गई है भैया। नाउ डिपार्ट, कंटिन्यू इन रिवर्स, गेट इन लास्ट गार्ड कोच टू असिस्ट चंटिंग, फॉलो हुड स्पीड लिमिट। ओके, तो मैंने आपको बोला था यार ये वही वाला काम होगा, तो हमको जाना पड़ेगा लास्ट कोच में ये, तो 5 नंबर दबाते हैं, होपफुली ये हमारा कोच आ गया लोको के साथ वाला। तो ये आ गया भैया हमारा दूसरा, तो यहां से हमको असिस्ट करना पड़ेगा लोको पायलट को। चल पड़ी है ट्रेन हमारी, वाह ये सही है भैया सिनेरियो बनाया। ये देखिए निकल पड़ी है हमारी ट्रेन और हम बैठे हैं गार्ड कोच में। जैसे ही हमारा ये कोच लगा ना, ये देखो थ्रोटल 16% दे रखा है, लेकिन गाड़ी बड़ी मुश्किल से हिल रही है। तो अभी हमको जाना है भैया कितना, 2.96 किलोमीटर जाना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेके जानी है हमको। आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी उल्टी सी गाड़ी जाती है, आती है कई बार प्लेटफॉर्म के ऊपर, वही वाला सीन। और 6:11:30 का इसका टाइम है ऑफिशियल, लेकिन हमको हमारा जो टाइम है 6:08:56 दिखा रहा है। होपफुली टाइम पे पहुंच जाएंगे। यार आसमान के कलर देखो यार, कितने जबरदस्त दिख रहे हैं। मैं हॉर्न बजा रहा हूं अब, और अभी आपको पता है हॉर्न की कितनी ज्यादा जरूरत है हमको, बिकॉज लोको आगे लगानी हुआ, लोको पीछे है बहुत ज्यादा, और जो इस साइड में सपोज करो अगर कोई खड़ा होगा तो उसको तो वैसे कम आवाज सुनाई देगी, तो लगातार हमको बजाना पड़ेगा हॉर्न। छः 9:03 का टाइम हो गया हमारा ऑफिशियल एस्टिमेटेड। तो भाइयों स्पीड हमने मेंटेन कर लिया प्रॉपर, एक बार यहाँ से देख लेते हैं कितनी स्पीड दिखा रहा है, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको ये ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पिट से निकलती हमारी जो स्पीड है वो 20 या 30 की हो जाए, तो बाहर से ही देखते हैं, इसको हुड को ऑन करके रखते हैं। और भाइयों यार चैट चूट करते रहो यार, मन लगा रहता है, अच्छा लगता है। आपको आवाज़ तो सही आ रही है ना मेरे ख्याल से,
तो भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट लाइव स्ट्रीम में बोला था ना, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो सरप्राइज़ यही है कि हम कर रहे हैं CRJ 700 एयरक्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम बहुत बहुत टाइम के बाद, और आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि यूजली हम, आपने भी काफ़ी टाइम से देखा होगा कि 320 एयरबस और बोइंग का 737 ही एयरक्राफ्ट हम फ्लाई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मुझे लग रहा है कि यू विल ऑल्सो लाइक CRJ। जिन्होंने पहले नहीं देखा उनको अच्छा लगेगा लगेगा शायद, और जिन्होंने पहले देखा हुआ है जो CRJ के बारे में जानते हैं, तो आई होप कि आपको तो अच्छा लगेगा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब तो यहाँ पे लोको मारा, ये हमेशा ना जहाँ जब भी देख लो, ये हमेशा हमको रेडी ही खड़े मिलते हैं, ऑलवेज रेडी। तो पिट से जैसे ही गाड़ी निकलेगी, देन स्पीड आई एम एक्सपेक्टिंग के बढ़ जाएगी। ड्यूल तो देखिए, हमारे सारे के सारे टिक, एक ये बोल रहा है पिट लाइन के ऊपर, ये क्रॉस पता नहीं क्यों दिखा रहा है, और हमको जाना है भैया स्टॉप एट एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 6:11 पर अराइवल। उसके बाद यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, 6:15 पे गाड़ी निकलेगी, 6:30 पे दोस्तों हमारा जो है इडापल्ली प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा हमको पहुँचना है, और वहाँ पे 4 मिनट का होल्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन है अलुवा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमको पहुँचना है 6:47 पे। तो छोटे छोटे हमारे स्टॉपेज हैं, ज़्यादा लंबा इसमें वो है नहीं है कि ज़्यादा लंबा रन नहीं है। और उसके बाद अगला स्टेशन है अंगामल्ली, वहाँ पे हमको 7:02 पे पहुँचना है, 7:05 पे निकलना है। इसके बाद चल्लाकुडी पे हमको पहुँचना है, 7:21 पे 7:23 पे निकलना है। इसके बाद IRIN जलकुडा, यहाँ पे हमको पहुँचना है, लेकिन कोई टाइम नहीं है। उसके बाद हमको थ्रीशूर पहुँचना है, जहाँ पे जाके हमारी जो ट्रेन की जर्नी है वो हो जाएगी समाप्त। 7:43 पे हमको पहुँचना है, तो इसका मतलब 1 घंटा 40 मिनट की हमारी जर्नी बाकी है अभी। बिकॉज ओ क्या स्लो स्पीड के ऊपर जा रही है, मस्त लग रही है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा यहाँ से मेरे ख्याल से। तो ये खंभे के साथ खड़े हो गए ना, यहाँ से देखते हैं। स्पीड, ओ यार क्या व्यू है, 1 मिनट इसका ना मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। कोई कह नहीं सकता यार, ये सिमुलेटर है, यहाँ से तो ये इतना बढ़िया स्काई का कलर कर रखा है, और ये मेरे को पता नहीं सिनेरियो मेकर ने किया है कि रूट मेकर ने किया। पैब भाई बोल रहे हैं, चिंतन भाई आप प्रेपरेशन करो, बढ़िया। चलिए ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया, और 1:10 की स्पीड के ऊपर कैसी लगती है गाड़ी जाती। ब्यूटीफुल, ओह मिक्स कोच लगे हुए हैं, उत्कर्ष है, ICF है, मिक्स है, तो ट्रैक साउंड भी हमको अच्छी सुनने को मिलेगी, ज़बरदस्त। तो थोड़ी देर में शायद मुझे लग रहा है हमारी जो स्पीड लिमिट है वो 20-30 की हो जाएगी। वो सामने से गाड़ी आ रही है यार, एक तो ये स्क्रीनशॉट लेने वाला ये भी बन गया है, तो इसको भी लेता हूँ मैं। और सूरज की रोशनी में देखो कैसा बढ़िया लग रहा है ना ये लोगों। शंटिंग चल रही है जोर शोर से हर एक की, स्पीड लिमिट हमारी 10 की है अभी भी। ये देखो शताब्दी के कोच भी लगे हैं पुराने, ये पार्सल वैन जा रही है इधर से, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट, स्पीड लिमिट हमारी बढ़ गई है भैया, तो चलिए खींचते हैं स्पीड को थोड़ा सा। साथ वाली गाड़ी इतनी तेज़ी से निकल रही है, तो हमारी गाड़ी जो है इसको भी थोड़ा सा तेज़ी से निकालते हैं। थ्रोटल 32 का दिया, तो जाके मुश्किल से स्पीड बढ़ने लगी, आराम आराम से, आराम आराम से। नौ का थ्रोटल है, अभी भी स्पीड बढ़ रही है, तो 6 का करके देखें, 6 पे जाके शायद स्टेबल हो जाए। तो अभी तो स्पीड सही चल रही है हमारी, तो शायद 20 की स्पीड पे जाएगी वापस गाड़ी। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हमारा जो है वो है 6:11:02 का, और ऑफिशियल टाइम है 6:11:30 का।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पार्किंग हो रही है इसमें, तो चलिए गाड़ी के साथ साथ चलेंगे तो भी। यार ये वाला भी व्यू अच्छा है, तो इसका मतलब गाड़ी की स्पीड अगर अराउंड 25 या 30 की होगी ना, और हम अगर हम वॉक करेंगे तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, मतलब पैरेलल रन हो जाएगा हमारे साथ, पैरेलल रन। और ये धूप निकल आई है, शायद धूप की रोशनी लग रही है ना मेरे को पीछे, देखें सूर्य। अरे नहीं, तो यहाँ पे चमक क्यों दिखाई दे रही है जैसे धूप की रोशनी होती है? चलिए स्पीड हम लिमिट हमारी जो है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, और ऑफिशियल टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, पता नहीं क्यों, जबकि वी आर फॉलोइंग स्पीड लिमिट इवन देन। तो ये ना इसमें समझ नहीं आता ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस ट्रेन सिमुलेटर में। थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड को। और मैं आपको प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाऊंगा हमारी गाड़ी का। तो ये ट्रैक हो गया चेंज, ये टुवर्ड्स पार्क योर ट्रेन टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ प्लेटफॉर्म नॉट एट द एंड। अच्छा जी, ये क्यों भैया? तो क्या सही व्यू आ रहा ना? स्क्रीनशॉट एज ऑलवेज। अरे यार बहुत पीछे है, मुश्किल से ही इसका सिरा आएगा ट्रेन का ऐसे तो। तो ये बोल रहे हैं कि एंड पे मत करो, फ्रंट पे पार्क करो ट्रेन को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जैसे हम प्लेटफॉर्म के पास पहुंचेंगे ना, ये ट्रैक चेंज कर रही है गाड़ी, देखो क्या सही लग रही है यार। तो प्लेटफॉर्म पे चलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लग रहा है यही वाला प्लेटफॉर्म होगा। जो डिस्टेंस दिया गया है ना इसको, मैं उसी के हिसाब से कोशिश करूंगा फॉलो करने की। स्टेशन पे ऐसी दिखाई देती है ना गाड़ी आती। इसको सेव कर लें एक मिनट यार, अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो हमारे पास टाइम रहेगा। येलो लाइन से पीछे खड़े हुए हैं, तो 760 मीटर रह गया। लेकिन उन्होंने यार इंस्ट्रक्शन क्यों दी कि गाड़ी को आगे पार्क करो, पीछे मत करना। देखिए पीछे कोई है तो नहीं? नहीं है तो लग तो सही रहा सब कुछ। ऐसी आवाज आती है जब गाड़ी आराम से निकलती है, सिर्फ कोच कोच। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, चार पांच मेरे ख्याल से आएंगे हमारे स्टॉपेज, और उसके बाद। अंकित भाई क्या हाल चाल? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक दो तीन चार पांच, पांच हमारे कोच और एक लोको, ये सब मिला के बनता है 500 मीटर, ऐसा ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये देखो चलती गाड़ी में से कैसे उतरी है मैडम, स्पीड हमारी सही है, और टाइम मुझे लग रहा है टाइम भी हम टाइमली पहुंच जाएंगे शायद। यार कितनी लंबी गाड़ी है ना, यहाँ से पता चल रहा है लंबी गाड़ी कितनी है। एर्नाकुलम 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 प्रॉपर अगर हिंदी। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये था कि लोगों को यहाँ पे रोका जाए, नॉट एट द एंड, मुझे लग रहा है। लेट्स सी, क्योंकि अगर एंड में रोकेंगे ना तो बहुत पीछे चला जाएगा मेरे ख्याल से लोगों। लेट्स सी, लग तो रहा है भैया, देखते हैं ये राइट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। स्टॉप एट एर्नाकुलम प्लेटफॉर्म बक्कू अराइवल छे इतना, और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है, मुझे लग रहा है यहीं पे रुकना था, और यहाँ से हमको निकलना है 6:15 पे। तो टाइमली अराइवल हो गया वैसे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और
अभी हमारे पास है 3:30 मिनट, 3:30 मिनट में निकलते हैं यहाँ से, डिपार्चर लेते हैं, डिपार्चर 6:15, टोटल हमारा 20% रहेगा, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया स्टेशन मास्टर जी ने। और चलिए देखते हैं हमारा लोको कैसा दिखाई दे रहा है, नए रंग में नए रूप में हमारा वैब 4 यहाँ से अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं लोगों के अंदर और अपनी जो साइड है उसको कर देते हैं चेंज, F2 सॉरी 3, तो पेंटोवर आपको ठीक करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं ठीक। ये बटन अब क्यों नहीं काम कर रहा यार, ये पहले तो काम कर रहा था। मार्कर स्विच हमारे सही हैं और ये हेडलाइट ब्राइट स्विच सही है, इसके बाद ये डिम स्विच है, ये हमारा कैब इंस्ट्रूमेंट लाइट हो गई है, फ्रंट वाला लेट्स सी। चलो फ्रंट हमारा हो गया सही भैया, और हमारा यहाँ पे डोर खुला हुआ है बिल्कुल सही, वी आर गुड। और हमारा जो रिवर्सर है वो भी फॉरवर्ड पोजिशन, लोको बॉडी स्टार्ट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन टेक द लोको कंट्रोल, ठीक है जी। तो यार ऐसा लग रहा है कि अभी डार्क हो गया है आसमान, काली घटा आ गई है ज़्यादा, इस तरीके से लग रहा है। तो भाइयों टाइट योर सीट बेल्ट्स, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, टाइट योर सीट बेल्ट्स, और निकलते हैं थोड़ी देर में। A3, U1, U2, UA1 ये काम नहीं करते होंगे शायद, लेकिन देखते हैं जब टोटल देंगे ना अगर ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती। लेकिन फिलहाल दोस्तों कुछ नए इंस्ट्रूमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, ये वर्किंग नहीं है लेकिन चलिए अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइम कितना हो गया, 6:13 हो गए हैं और हमको निकलना है कितने, टिक लग गया हमारा भैया, हमको निकलना है 6:15 पे, अगला स्टेशन आएगा हमारा 15 मिनट के बाद। और यहाँ से वो गाड़ी निकली है, वो जा रही है, वो दिख रही है, वो आ गया लोको का पेंटोवर दिख रहा है। 6:15 पे निकलना है और डिस्टेंस हमारा है 8 किलोमीटर, 8.45 किलोमीटर अगले स्टेशन का। पारस भाई राम राम जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, अंकित भाई आप बताओ कैसे हो? और पायलट्स आर रेडी, लोको पायलट्स आर रेडी, और असिस्टेंट लोको पायलट की आपको व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाऊंगा फिलहाल। FPS कम आ रहे हैं, जिटर कर रहा है। 22230 रोड नंबर है, कैब टू में बैठे हैं अभी हम, और अगर मैं 2 नंबर दबाता हूँ तो आप देखो पीछे जाते हैं, 3 नंबर दबाता हूँ तो आगे आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मिल गई है 20% टोटल पे हमको डिपार्चर करना भैया, तो थोड़ा सा लंबा हॉर्न देते हैं बिकॉज पूरी गाड़ी यहाँ पे खाली आई थी और अभी सारे के सारे हमारे पैसेंजर बैठे हैं गाड़ी में, तो जल्दी बैठ जाए इसकी वजह से लंबा हॉर्न। मैं भी बढ़िया, ये वाला न्यू सिनेरियो FLG से डाउनलोड किया है ना? हाँ जी हाँ जी, ब्रेक रिलीज होने में भी टाइम लगा देंगे भैया। ओके भाइयों, चलिए जी डिपार्चर ऑन टाइम, और हमारा एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 8:23:58 आ रहा है, और 8:30 का हमारा, सॉरी 6:30 का हमारा अराइवल है अगले स्टेशन पर ऑफिशियल, तो होपफुली टाइम में पहुंच जाएंगे क्योंकि 9 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर के करीब था, और टाइम है हमारे पास 15 मिनट, तो आराम से यहाँ से जब ट्रेन डिपार्चर लेगी तो 0 से स्पीड आराम से बढ़ा रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको खड़े होकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं ये वाला व्यू। यार ये लाइट्स की वजह से ना हेडलाइट्स ऑन है, कितनी FPS की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। टाइम सुबह के 6:15 बज रहे हैं, लाइटें पता नहीं कब बंद होंगी इनकी। यार लोको यार बहुत प्यारा लग रहा है,
आराम से देखो क्या स्पीड खींच रहा है लोको, बहुत बढ़िया है। ऐसी ही ट्रेन को चलना चाहिए, अराइवल डिपार्चर ऐसे ही होना चाहिए, मज़ा आ जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कितने लोको लगे, सॉरी कितने कोच लगे हुए हैं और कौन कौन से कोच लगे हुए हैं, हाउ मैनी एंड विच वंस। पौना घंटा हो गया मैं लाइव स्ट्रीम को चलते हुए, और अगर मैं टाइम देखो तो 1.5 घंटे की हो रहा है। मतलब यार वैसे तो इसकी ड्यूरेशन 110 मिनट की है, इसकी क्या नाम है सिनेरियो की, और अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो मैं थ्रोटल अभी कम कर रहा हूँ, स्पीड हमारी हो गई है आराम से। तो अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें, पौना घंटा तो ये हो गया हमको, और 1.5 घंटे की पड़ी है, 2.25 घंटे बनते हैं, लेकिन जो सिनेरियो का एक्चुअल टाइम है वो 1 घंटा 10 मिनट का है। मतलब 110 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, तो 2.25 घंटे और 101 घंटा 50 मिनट में 20 मिनट का फ़र्क आता है। तो ये कैसे हुआ, कैन समवन टेल मी। यहाँ पे एफपीएस देखो कितने बढ़िया, यहाँ से आपको अच्छा लगेगा देख। अभी फिर जिटर सी, ऐसा लग रहा है जिटर करनी शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों कैब में चलते हैं और यहाँ से अपनी जो जर्नी को करते हैं। SAM 34 हेलो है, कैसे? तो यहाँ से करते हैं अपना, जो स्पीड लिमिट वगैरह देख रहे हैं फिलहाल तो सही चल रही है। और असिस्टेंट लोको पायलट से जाते हैं लोको पायलट की सीट पे, और यहाँ पे, और देखो बस वाले यात्री देख रहे होंगे गाड़ी जा रही है कितने प्यार से आराम से पैरेलल हो रहा, राइट साइड में पैरेलल हो रहा है, वो गाड़ी पीछे अभी तो बहुत पीछे है हो रही। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 तो वो आ रही है भैया गाड़ी पीछे, 20 की स्पीड है हमारी। ओह ये लो, यहां से देते हैं पूरा मौके के ऊपर हमने वो किया, बहुत बढ़िया। 45 45 की स्पीड मिलने वाली है हमको, यार क्या व्यू लग रहा है ना, ये बहुत जबरदस्त। तो इसीलिए बोलते हैं भैया कि जो सिमुलेशन है ना वो फीलिंग्स का है, सब सब कुछ फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप फील के साथ देखोगे ना यू विल एंजॉय इट एट इट्स बेस्ट। 40 की स्पीड ए मिल गई है, कुछ ही सेकंड में हो सकता है अपडेट हो जाए, लेकिन नहीं भैया ये अपडेट ही नहीं कर रहा, क्यों भाई। तो चलिए दोस्तों डोर व्यू में आ गए हैं और यहाँ से देखते हैं, ये देखो कोच आराम से स्पीड के ऊपर, जैसे कोच हिलता है ना, ये देखो कोच लेफ्ट में जा रहा है अभी, फिर ये राइट में मारेगा हल्का सा धक्का। यार यही तो चीज़ें हैं, मुझे तो सच्ची मज़ा आ जाता है देख के। इसमें चलते हैं, यहाँ पे हमको बढ़िया, अरे यार ये साथ में रोड भी है, ये वाला एंजॉय करते हैं ना सीन। ट्रैक साउंड तो आएगी यहाँ से मस्त, 45 की स्पीड हो गई है, तो चलिए 45% ही थ्रोटल दे देते हैं अराउंड। व्हील्स की साउंड चेंज होगी देखो, असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट पर स्विच कैसे किया, कौन सा किसे लेफ्ट राइट की भाई, नथिंग स्पेशल। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रोड तो चली गई है, तो हम चलते हैं वापस अपने दूसरे साइड में, यहाँ से हमको हो सकता कुछ देखने को मिले। फिलहाल ये हमारा कोच का अंदर का व्यू, एज यूजुअल ब्यूटीफुल। स्पीड हमारी अरे ज़्यादा ही हो गई है, 48 की हो गई है, तो थोड़ा सा थ्रोटल मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, आराम से चलते हैं। इग्नोर गिवन स्पीड लिमिट टिल नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है 60 की स्पीड पे, इसी वजह से तो भैया हमको फिर टाइम ज़्यादा मिला हुआ है, तो 8.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 15 मिनट इसलिए दिए गए हैं, बिकॉज स्पीड हमारी जो है स्लो रहेगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमको हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा वहाँ से,
साउंड जो आ रही है। पैलन हो रहा है आगे भी, गाड़ी देखो जा रही है, ये देखो डिपार्चर हुआ इसका मेरे ख्याल से। ऐसी होता है रियल लाइफ में भी, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो यही मजा दिलाती है कि हम तो सबसे आगे जा रहे हैं, सबसे आगे निकले। यहाँ से हॉर्न आपको सुनाई नहीं दे रहा, अगर हॉकिंग करते सुना सकता ना आपको। एक्चुअली ये व्यू इतना बढ़िया है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओहो, ये देखो साथ में कोच का ऐसा व्यू मिल जाए और क्या चाहिए। हमारी गाड़ी को प्रायोरिटी मिली है तो इसलिए हम निकल चुके हैं और उसके बाद दूसरी गाड़ी निकली। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। स्पीड हमारी सही चल रही है, 60-60। 5 किलोमीटर रह गया हमारा अगला स्टेशन, तो यही वाले व्यू से अराइवल दिखाऊंगा आपको। आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्रॉसिंग यह है नया हो, अल्टीमेट हो रहा है। स्पीड हमारी बिल्कुल सही और 4.25 किलोमीटर के करीब रह गया हमारा स्टेशन अगला। टाइमिंग बिल्कुल सही चल रही है फिलहाल, तो आराम से अराइवल करेंगे मुझे लग रहा है। रोड से दिखाता हूँ आपको, मार्केट से खड़े होके और उनकी भाई है ना किसी गाड़ी के पाँ पाँ। भाइयों प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक। चलिए कैब में चलते हैं और एक काम करता हूँ, मैंने विचार बदल दिया थोड़ा सा, कैब से आपको अराइवल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर जो अगला डिपार्चर अराइवल है वो हम और दूसरी दिखाएंगे। और यार ये देखो ये पाइप्स वगैरह क्या लगी हुई है इसकी, ये पूरे का पूरा ना आई थिंक वायरिंग वायरिंग का बना रखा पूरा, जो रियल लाइफ में होता है ना पूरे जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं वो। और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये देखो फिर की वायर दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया यार। और ये देखो ओ तेरी, ऑलमोस्ट बराबर है हमारी स्पीड, ऑलमोस्ट। यार ये हेडलाइटें बंद कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। बिल्कुल बराबर स्पीड चल रही है, बिल्कुल हल्की सी हमारी तेज है, हल्की सी, बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। थोड़ा मैं आइडल कर रहा हूँ ताकि वो ट्रेन हमारे बिल्कुल बराबर आ जाए, देखते हैं कब आती है। और फिलहाल देखिए हमारा जो डिस्टेंस है 2.25 किलोमीटर से भी कम रह गया, ये बहुत निकलने लगी आगे, में नीचे कर दिए। आ जाए यार इतना टाइम, अभी तो मैंने स्पीड भी कम कर दी है। वो आ जा, इतना टाइम इतना पीछे थी क्या मैं, वो आ गई। ओहो क्या लग रही है यार, स्क्रीनशॉट। ये उल्टा देखो पेंटोग्राफ लेके जा रहा है। स्पीड लिमिट्स देखने के लिए ऑन करता हूँ मैं और ब्रेक लगानी शुरू करते हैं। नहीं अभी झूठ नहीं है, लगा देते हैं, हल्की हल्की लगानी शुरू हो जाती है। 32% पे मैंने कर दिया।
सही यार व्यू लग रहा है, उसने भी ब्रेक लगानी शुरू कर दी है। काफी तेज जा रहे हैं क्या? नहीं लग तो नहीं रहा, लेकिन इसका पता भी नहीं, एकदम से दिखा दे कि भैया आपकी स्पीड तेज है। 1 किलोमीटर बाकी है अभी हमारा, हमने स्प्रिंट कर लिया अराउंड 23-24। ट्रैक भी चेंज हो गया तो स्पीड सही, 30 की स्पीड चाहिए हमको, तो थोड़ा सा स्पीड को तेज कर लेते हैं। अगर ज़्यादा स्लो चलेंगे ना वी विल स्किप ओवर टाइम। चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला स्टेशन एडापल्ली, और वो पीछे रह गई है गाड़ी। फिलहाल हमारा 6:28:24 दिखा रहा है, और डिस्टेंस बाकी हमारा 740 मीटर। ओके, वेलकम टू एडापल्ली। मॉनिटरिंग टाइम, हमारा टाइम मिस नहीं होना चाहिए यार। सिनेरियो बहुत गजब बना रखा है यार, बहुत बढ़िया सिनेरियो जिन्होंने सिनेरियो बनाया ना, वेल डन भाई, वेल डन। क्योंकि आपने जो टाइम दिया हुआ ना, प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दे रखा है, ताकि आपको एकदम से भगानी ना पड़े, एकदम से ब्रेक ना लगानी पड़े गाड़ी को। अल्टीमेट, बहुत बढ़िया यार। यहाँ पे सिनेरियो मेकर का नाम भी आना चाहिए यार, इसमें अलग से सेक्शन होना चाहिए, मेड बाय, सिनेरियो क्रिएटेड बाय, नॉट मेड बाय, सिनेरियो क्रिएटेड बाय। इसके बाद थैंक यू सर जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मेरा ही सिनेरियो। अच्छा वाह अंकित भाई, वाह, गुड गुड, वेरी गुड। देखा, क्वालिटी ऐसे बोलती है, बिना जाने भी आप क्वालिटी को समझ जाते हो। अल्टीमेट अल्टीमेट। इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है? देखो मालगाड़ी भी आ गई है इधर, लेकिन पीछे हमसे थोड़ा सा, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रही। तो भैया 70 मीटर रह जाएगा तब लगाएंगे ब्रेक, हल्की हल्की आराम से, नो फास्ट ब्रेकिंग, हल्की हल्की। और ये देखो आवाज नहीं दे रही है मुझे, वो रहा बैग नहीं। वो थू जा रही है गाड़ी, भाइयों वी आर हेयर ऑन टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित भाई बोल रहे हैं, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, बट उसके पहले मैं आपको बाकी सिनेरियो सेंड करता हूँ। ओके ठीक है। रुद्रा भाई बोल रहे हैं, हेलो सर, ग्लैड टू सी वैप फॉर अपडेट। हाँ रुद्रा भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया। और वो देखो दूसरी मालगाड़ी है, वो भी रुकी हुई है। डिपार्चर हमारा 6:34 का है, यहाँ पे 5 मिनट हमारा होल्ट है, तो चलिए बाहर चलते हैं। अरे यार ये उल्टा, ये वाला तो बाहर चलते हैं, बाहर से आपको थोड़ा सा चहलकदमी करवा देते हैं। ओ यार स्काई कलर देखो, इसकी हेडलाइट बंद कर दें पहले, आई डोंट थिंक वी नीड हेडलाइट नाउ। ये HT कॉम्प्लीमेंट, ये कंपार्टमेंट लाइट, ये वाली कौन सी लाइट है भैया? थी वो ट्रिप कर गई, लगा हुआ इसमें कुछ फॉल्ट है, तो इसकी वजह से कई बार लाइट ट्रिप कर जाती है। अगर ये स्विच ऑन होता है ना, तो ये उस रूम की लाइट को ट्रिप करवा देता है। तो ये सारा चक्कर चला है, और अभी मैंने उसको ट्रिप को ठीक किया है, और वाईफाई ने रीस्टार्ट होने में जो टाइम लेना था भैया वो लिया, जो यूजली ये लेता है। तो अब वी आर बैक नाउ। वैभ भाई का मैसेज, यार वैभ भाई थोड़ा सा छोटा मैसेज कर दिया करो,
अच्छा, इसको पास देना था, इसकी वजह से हमारी गाड़ी रुकी हुई है। ओके, वह भाई बोल रहे हैं, भाई मेरे दोस्त ने घर पे ही ट्रेन सिमुलेटर का हार्डवेयर भी ले लिया है। हाँ, वो सिमुलेटर को दूसरे यूज़ करता है, वो सिमुलेटर कोई दूसरा दूसरी यूज़ करता है, लेकिन उसका सेटअप गजब है। ओके, वह भाई बोल रहे हैं स्लीप पॉज हो गई, बफरिंग, तो वी आर बैक ऑनलाइन भाइयों। तो टाइम देख लेते हैं हमारा कितना है। आ गए असलीम। हाँ जी यार, वो ना मैंने भी आपको बताया, आई थिंक आपने सुन लिया होगा कि क्या क्या रीज़न हुआ यार। इसका जो फूड है ना, थोड़ा सा सही हो गया है ना, ये 6:34 पे डिपार्चर है। ओके, मेरे रूम की जो लाइट है ना, उसका जो स्विच है, उसमें कुछ फॉल्ट है, तो वो कभी कभी ना लाइट को ट्रिप करवा देता है, और जो लाइट ट्रिप होती है वो उस रूम की होती है जहाँ पे क्या नाम है उसका वाईफाई रूटर लगा हुआ है। मेरे रूम की भी लाइट बंद हो जाती है, लेकिन सिर्फ ये लाइटिंग बंद होती है जो ऊपर लगी हुई है, बाकी रूम की लाइट चल रही है, सॉकेट चल रहे हैं, दूसरे वो कंप्यूटर वाला सॉकेट है वो भी चल रहा है, सिर्फ ऊपर की लाइट ट्रिप होती है, ये ट्रिप होती है, और जहाँ पे वाईफाई का रूटर लगा हुआ है ना यहाँ से बहुत दूर, उस रूम की लाइट ट्रिप होती है। तो मैं गया था तो मूवलियाँ ले आया, क्योंकि यार यूनिट्स आर ऑसम। सवा मिनट बाकी, चलिए डोर व्यू में चलते हैं और वहां से आपको दिखाता हूँ। यार स्काई के कलर कितने जबरदस्त हैं यार, ये देखो। वो हो गया येलो सिग्नल, चलिए इधर चलते हैं, ये साइड से आपको डिपार्चर दिखाऊंगा, क्योंकि उस साइड में यार वो देखो पीछे कितना ऑरेंजी ऑरेंजी है, और ऊपर यहाँ से दिन निकला है, तो इसका मतलब 6:30 बजे दिन निकला है। वो पीछे थोड़ा सा डार्क इसलिए है क्योंकि वो सूरज इधर से उग रहा है, एक्चुअली सूर्य देवता इधर से उग रहे हैं और अभी इधर को चढ़ेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर अभी डार्क है, और जिधर से उग रहे हैं उधर पूरा प्रॉपरली लाइट हो गई है। और वो देखो गाड़ी आ रही है सामने से एक, और स्पीड हमारी 30 की। बीस परसेंट टोटल, चलिए भाइयों। इससे आप बढ़िया व्यू क्या होगा, और स्काई कलर कितने अच्छे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो चलिए हमारी जो स्पीड है वो देख लेते हैं कितनी है। अभी 14 की चल रही है, अभी 30 की स्पीड परमिटेड है, मेन लाइन पे आने के बाद 110 की स्पीड। मूंगफलियाँ होती तो बहुत स्वाद है, लेकिन अगर उसमें एक मूंगफली अगर ख़राब आ जाए ना, तो जितनी मूँह में होती है सबका स्वाद खराब हो जाता है बिल्कुल। लेकिन यार फ्रूट की क्वालिटी देखो यार, क्या बढ़िया लग रहे हैं, ग्रीनरी कितनी सुंदर लग रही है, फ्लावर्स पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, और एक नया घर बन रहा है अभी, उसको प्लास्टर वगैरह हुआ नहीं है। पहले जब डिपार्चर लिया तो 30 की स्पीड, बाद में 20 की हो गई।
ये भी 200 मेरा टिक लग गया है। अभी देखते हैं हमारा यहाँ से चले 1 2 3 4 5 पांच स्टेशन बीच में, और छठा है जो हमारा, वो हमारा डेस्टिनेशन है। आइडिया जी भाई, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। स्पीड लिमिट 60 की हो गई है, 60 से 70% दे के 105 से 110 के बीच में चलाना है। सत्तर परसेंट थ्रोटल दे दिया, 105 और 110 के बीच में गाड़ी चलेगी अभी हमारी। और मैं आपको, सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा हाई स्पीड पास भी दिखाऊंगा। अगला स्टेशन दोस्तों आलुवा है, जो यहाँ से 9.83 किलोमीटर दूर है। सबको पसंद आया भाई, आईटीआई जी भाई, सबको पसंद आया। अब चलेगी गाड़ी फुल स्पीड पे। कृति भाई तो आए नहीं अभी यार, एक्चुअली कृति भाई ने खुद बोला था कि जब से उन्होंने एमएसएफएस खेलना शुरू किया ना, ट्रेन सिमुलेटर से उनका ध्यान हट गया, अभी अच्छा नहीं लगता उनको, जबकि उन्होंने ट्रेन सिमुलेटर से स्टार्ट किया था। अभी भी 40 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर स्पीड और पकड़नी है गाड़ी ने 25 की। ऐसे अब में चलते हैं, क्या हिल रहे हैं यार कोच। छः बज के 47 मिनट का हमारा ऑफिशियल टाइम है, 6:46:47। पूरा एच पे चल रहा है टाइम हमारा। वाह, इतना हाई स्पीड लगती है यार जब ये टोल ट्रेन क्रॉस करते हैं इसके साथ। पहुंच के मिल सकते हैं, और मैं दे रहा हूं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा यहां से। क्या स्पीड खींची है गाड़ी ने यार इसके बाद तो। और दोस्तों ये सिनेरियो बनाया अंकित भाई ने, और आप देख सकते हो खूबसूरती सिनेरियो की अल्टीमेट। ओए क्या क्या कलर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना था मैंने, ले लिया। एक और लूंगा, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार ट्रेन के अंदर बैठ, अल्टीमेट ब्यूटीफुल। डिस्टेंस हमारा रह गया भैया 4.5, तो चलिए एक बार बाहर चलता हूँ और आपको एक हाई स्पीड का पास दिखा। ओहो, हाई स्पीड का पास दिखाता हूँ अभी। ब्यूटी फुल, ओके भाइयों यहाँ से देखते हैं यार। ओ यार ये तो दीवार दीवार ना मेरे को सही नहीं लगती, दीवार से बाहर निकल के देखें अगर।
यहाँ से देखते हैं, ये अच्छा है। वही रोड के ऊपर से देखें, पुल के ऊपर से। वो ये भी रेलवे लाइन का पुल है। थ्रोटल मैंने कर दिया आइडल। ओहो, ये तो अच्छा ही हो गया बिल्कुल। ब्रेक लगाने का भी टाइम आ गया है। स्पीड तो मैंने कर दी थी स्लो। देखो मैं 90% थ्रोटल दे रहा, ब्रेक लगा रखी है, और स्पीड कितनी स्लो स्लो कम हो रही है। फिर मैं तो हमारी गाड़ी ना प्लेट फॉर्म पे घुस जाएगी। व्यू दिखाने के चक्कर में अभी हमारी स्पीड सही है, पहले तो भूत बना हुआ था। 30 से कम करता हूँ मैं स्पीड, एकदम से पता ही नहीं चलेगा इसका, एकदम से बोल देगा भैया ओवर स्पीड जा रहे हो। लोको तो पहुंच गया प्लेटफॉर्म पे। स्पीड हमारी सही लग रही है, वो गाड़ी खड़ी है सामने एक। ओहो क्या बढ़िया व्यू है, स्क्रीनशॉट बनता है इसका एक। स्काई कलर देखो यार, कितने बढ़िया दिखा रखे हैं इसमें यार। अभी ये नहीं पता कि अंकित भाई का कमाल है या फिर ये सिनेरियो ही, सॉरी रूट ही ऐसा ही है, जबरदस्त सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर दिया गया है स्काई कलर्स को। हलुआ, 1 घंटे का सिनेरियो बाकी है हमारा। और हमारा जो अराइवल है दोस्तों, 12 बिफोर टाइम हो गया। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि वी कैन गेट लेट। भाई प्लीज लाइक कर देना यार, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर बस। मैंने जब से डोरबी इंस्टॉल किया ना LHB का, मेरा मन कर रहा है LHB की ट्रेन चलाएं। वो गाड़ी का डिपार्चर हो गया। लीजिए भाई पहुंच गए हैं, और अभी डिपार्चर देखेंगे हम डोर व्यू से, सॉरी पैसेंजर व्यू से पूरा। क्या स्पीड पकड़ी है यार दूसरी गाड़ी ने, देखो अनरियलिस्टिक। मुझे लग रहा है यहाँ पे ही पास देना होगा किसी गाड़ी को शायद। लेट्स सी, सेंटर का प्लेयर हो गया हमारा।
ये गाड़ी अभी निकली, ये आ रही है गुड्स ट्रेन। अभी ये नहीं पता कि इसको पास देना है हमको या क्या करना है। और अंगामली प्लेटफॉर्म नंबर 2, 2, 3, तीन हमारे स्टेशन और आ रहे हैं अभी। अगला स्टेशन वही, डिस्टेंस वही है सबका, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10 किलोमीटर। अभी मैंने ना इस रूम की लाइट तो बंद है, क्योंकि अगर ये ऑन करूँगा तो दोबारा ऐसा हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए इंटरनेट वाला, तो इसका मैंने स्विच बंद कर दिया लाइट का, और एमरजेंसी लाइट लगा रखी है पीछे, शायद आप देख पा रहे हो, पता नहीं, आपको दिखा देता हूँ, ये लगी हुई है यहाँ पे बेड के ऊपर, तो उससे ये लाइटिंग हो रही है अभी जो आप देख रहे हो। डिपार्चर कितने का था, दिमाग से निकल गया मेरे, 50 का। मोहित पांचाल, ये कौन सा गेम है भैया? ये है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, ये देखिए भारतीय रेल की यात्रा घर बैठे बैठे। अरे यार मैं डिपार्चर आपको बाहर से ना दिखा दूँ, यहाँ से एज अ मतलब जो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। आलुवा हमारी गाड़ी खड़ी है, और जैसे सिग्नल होता है देन वी विल डिपार्ट, और आपको बाहर से दिखाता हूँ ये सारा। भाइयो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस जिन्होंने कर दिया लाइक सब्सक्राइब शेयर, उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया तो उनका एडवांस में। सिग्नल हमारा भी रेड है, टाइम हमारा 50 का है, तो टाइम अभी हो रहा है 48, 2 मिनट बाकी हैं। यार वो मालगाड़ी आ रही थी वो कहाँ चली गई, शायद रुकेगी यहाँ पे, लेट्स सी। हाँ ये देखो आ गई, ये आ रही है हमारे लेफ्ट साइड में आ रही है। जो ये वाला ट्रैक है ना इसके ऊपर आ रही है, वो रुकेगी और देन हमको डिपार्चर मिलेगा, आपको दिखाऊँ वो आ रही है। बैग 9 लेके आ रहा है भैया, आई एम बैक। मुझे बोल रहे हैं MSTS भी इसी को बोलते हैं ना ब्रो? नहीं नहीं MSTS अलग है भाई, वो है ओपन रेल माइक्रोसॉफ्ट का है, और वो काफ़ी साल पहले उसकी डेवलपमेंट बंद हो गई है, उसकी सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो हमारे डेवलपर भाई लोग हैं ना उसको किसी तरीके से काम ले रहे हैं, उससे कर रहे हैं कोशिश कर करके। इसका जो ऑफिशियल नाम है, इसका नाम है रेलवर्क्स, रेलवर्क्स इसका नाम है, और जो इसका दूसरा नाम है उसको बोलते हैं ट्रेन सिमुलेटर क्लासिक। यार आपको देखने से पता नहीं चल रहा जो MSTS है और इसमें जमीन आसमान का फ़र्क है क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी देखो कितनी ज़बरदस्त है यार, MSTS में ये क्वालिटी नहीं मिलती मेरे ख्याल से। और ये यार ये पता नहीं उल्टा पेंटोग्राफ उठा के चल रहा है ये, जब से हम इसको देखा है, अरे बराबर हमको फॉलो कर रहा है कब से। 40 सेकंड रह गए भैया डिपार्चर के लिए, सिग्नल हो गया हमारा नंबर दबा के देखे प्लेयर, ट्रैक तो हमारा क्लियर है, तो सिग्नल का ग्लिच है जो जैसे कि आपको पता ही है। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला स्टेशन आ रहा है वो अंगामली आ रहा है, जो यहाँ से 9.46 किलोमीटर दूर है, 7:02 उसका ऑफिशियल टाइम ऑफ अराइवल है, और अभी हमारा जो अराइवल टाइम है उसको देखने का भी फायदा है। SR प्रोडक्शन, हेलो जी कैसे भाई, अरे भाई बोल रहे हैं, और गेम ऑफ फिजिक्स में भी ह्यूज डिफरेंस है। हाँ जो इसका
फिजिक्स है ना, जो पूरी ट्रेन की हिलता है कैसे है, क्या क्या इसमें आपको इफेक्ट दिखाई देते हैं, जो फिजिक्स जो आईटीआई जी भाई बोल रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। अब मैं आपको डोर व्यू दिखाऊंगा, डोर व्यू से आपको पता चलेगा इसके फिजिक्स का क्या मतलब है। अभी आप ट्रेन को स्पीड पकड़ने दो, देन आपको लेके जाऊंगा डोर व्यू में। और ये है 60 से 60% टोटल स्पीड हमारी 105 की रहेगी। दोबारा से मोहित भाई, यार आपने लाइक तो किया नहीं यार, आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया, आपने नाम भी पूछ लिया, मैंने बता दिया, आपने थैंक यू भी कर दिया, लेकिन लाइक फिर नहीं किया आपने। देखो हमारा काफ़ी आगे निकल चुका है, यहाँ से उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी ना। और यहाँ पे तो दूसरी गाड़ी है नहीं, लेफ्ट साइड वाला ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ICF क्रिस्ट 1, 2, 3 और 4 MSTS में फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में ट्रेन चल रहा है, ऐसा लगता है कि 50 से कम है स्पीड। ओके भाइयों, तो ये हमारा डिपार्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार कम से कम लाइक कर दो डिपार्चर के नाम पे। शुक्रिया भाइयों जिन्होंने लाइक कर दिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन एडवांस। और इसके बाद आपस में हमारे जो भाई लोग हैं वो हेलो हाई कर रहे हैं। स्पीड लिमिट हमारी देखें कितनी है, 50 की हो गई है, तो चलिए इग्नोर करते हैं सारी स्पीड लिमिट्स को। 60% टोटल मैं 64% दे रहा हूँ और स्पीड हमारी बढ़नी हो जाएगी शुरू। क्या सही लग रही है ना, यहाँ से स्पीड का ही पता चल रहा है कि स्पीड खींच लिया गाड़ी में। 33 की स्पीड हो गई है, 34 की है, 35 की। ओके भाइयों, लेट्स गो टू लोको। अमेजिंग लोको भैया, आराम आराम से खींच रहा है स्पीड लोकोमोटिव। ऑफिशियल टाइम 7:02 का है, अभी हमारा एस्टिमेट टाइम 6:58:39 का दिखा रहा है, वो स्टेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम इग्नोर करेंगे स्पीड को, क्योंकि बोला गया कि हमको 105 से 110 की स्पीड मेंटेन करनी है, तो आई विल इग्नोर द स्पीड लिमिट एंड बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ रही है, 60 की हो चुकी है, 60 से 61, 62 बढ़ रही है आराम से धीरे धीरे, 65 की हो गई है एंड 70 हो गई है, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं 70 हो चुकी है। शायद हो सकता है कि यार ये 3D इफेक्ट ना देता हो, क्योंकि मैंने भी नीचे कंपेयर किया था, जब मैंने बोला ना 70 की हो चुकी होगी, 60 से शायद हो गया, मैं 70 बोला था ध्यान में, तो ये उस टाइम 70 की हुई नहीं थी। अभी देखो 80 की हुई ना, ये अब आई है 80 पे, लेकिन नीचे 80 की स्पीड हुई नहीं है, तो ये 3D क्लॉक नहीं है। जिधर से भी देखो अगर सुई प्रॉपर अक्षर के ऊपर है तो ये मान के चलो कि वो वैल्यू होगी। ओके भाई, तो टोटल हमारा सेट है यार, ये सुबह का टाइम है, देखो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे सुबह बढ़ रही है अंधेरा बढ़ रहा है दिन निकलने के बजाय। ये रेड कलर का पेंट हमारे इसके ऊपर डोर के ऊपर क्या सही लग रहा है। और स्ट्रिक्टली ब्रिंग MP टू 0 पोजीशन बिफोर DJ ओपनिंग। इनका मली ब्रैकेट में लिखा है कल्लाड़ी कल्लाड़ी कल्लाड़ी। थोड़ा सा बाहर से देखें, ये वाला व्यू यार मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं बाइक से। अल्टीमेट लगता है फिलहाल हमारी बिल्कुल सही चल रही है, अगर टाइम देखें तो टाइम में और भी
पौने 3 मिनट का अभी हमारे पास है, तो क्या सही एयरपोर्ट आ रहा है क्या? आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ यार, ये देखो एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी है वहाँ पे, जो हमेशा यहीं पे खड़ी रहती है, देख रहे हो? आई होप आप देख पा रहे हो। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स खड़ी है, एक तो ये है और एक ये है, ये लो यहाँ से आपको। और रनवे भी क्या सही है भैया, अल्टीमेट दो दो ट्रेन दिख रही हैं साथ में, एयरपोर्ट दे गया, एयरक्राफ्ट दे गए, और क्या चाहिए। स्क्रीनशॉट, अरे पेड़ों हट जाओ, स्क्रीनशॉट लेने मेरे को एक बढ़िया सा, ये एंगल मेरे को सही लग रहा है, ये देखिए लो भाई, आपको दिखाऊं। ओ यार ये ना ऊपर ले आता है, ओ यार अब मैं छोड़ने लगा था, नहीं फिर ले आया, बीच का व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ। ओ ये रहा ब्यूटीफुल, डिस्टेंस देखिए कितना रह गया, अभी 1.5 किलोमीटर रह गया यार, टोटल राइड भी करते हैं और पैसेंजर सीट में जाते हैं वापस। चलिए ब्रेक लगानी मैंने शुरू कर दिया, अराउंड 50% ब्रेक लगा रहा हूँ, लेट्स सी कहाँ तक। अरे यार ये 50% तो कुछ भी नहीं है इसके लिए यार, अराउंड 60% आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल से कम, लेकिन वी आर ऑलरेडी लेट तो मैं 70% लगाऊंगा। 600 मीटर रह गया बस प्लेटफॉर्म, तो मुझे ब्रेक और बढ़ानी पड़ेगी, 70% करनी पड़ेगी, 80% सॉरी 70 तो पहले थी। अरे यार वी आर ऑलरेडी एट प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट, बोलना शुरू कर दिया कि यू आर ओवर स्पीड, नाउ वी आर गोइंग, आराम से प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। और अभी कोई है नहीं भैया मैसेज में, नया मैसेज 70 मीटर 700 मीटर रह गया प्लेटफॉर्म। मालगाड़ी खड़ी है दूर लास्ट वाले ट्रैक पे, और ये आ गया प्लेटफॉर्म, किधर आएगा ये आ गया। इस बार मैं लगाऊंगा ब्रेक जब 150 मीटर रह जाएगा, 40% टोटल ब्रेक पावर देके देखेंगे, लेट्स सी कितनी क्या कैसी रुकती है गाड़ी। यहाँ पे अगर वेंडर्स की आवाज़ और पैसेंजर की आवाज़ भी आ जाती ना तो मज़ा आ जाता, बस उसी की एक कमी लगती है, बाकी सब सही है। तीन सौ मीटर रह गया अभी यार, हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और अभी 300 मीटर और बाकी है अभी। देखो रियल लाइफ में 300 मीटर बहुत लंबा होता है, पौना पौना एक एक किलोमीटर के प्लेटफॉर्म, अमेजिंग यार। ट्रेन्स रॉक्स, इंडियन ट्रेन्स ओनली, 17 60 150 रह गया, तो चलिए 30-40% मैंने ब्रेक लगा दिया, देखते हैं कितना ये स्लो डाउन करता है स्पीड को। 16 की स्पीड थी जब ये 110 मीटर रहता था, साठ मीटर रह गया अभी 13 की स्पीड है सर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम की है इसने। अरे गाड़ी कहाँ निकल चुकी, निकल गई है, चलिए
अराइवल हमारा सही हो गया, 7 बजे का टाइम था, 7 बज के 1 मिनट कह सकते हैं, 7 बज के 1 मिनट पे अराइवल हो गया। बहुत बढ़िया, सही। अच्छा, ब्रेकिंग भी हमारी सही लगी है, नाइस। डिपार्चर टाइम वैसे तो बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, 7:05 का है, 5 मिनट है हमारे पास अभी। तो कैब से देखेंगे डिपार्चर, देखें बाहर से यार कहाँ पे पहुँच गया है लोगों। नहीं नहीं सही है, प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है यार। 7:05 का डिपार्चर, और यार व्यू देखो, अंकित भाई यार ये स्काई का कैसे है, ये रूट में अपडेट हुआ है या फिर आपने कुछ स्पेशल किया है इसमें? स्काई का कलर इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, क्या बढ़िया क्लाउड्स हैं यार, पिंक ऑरेंज पर्पल पता नहीं कैसे कैसे कलर, अल्टीमेट। तो ये स्विच दोस्तों ने उनका रखा है जिसकी वजह से अंदर बहुत उजाला हुआ पड़ा, अंदर भी लाइट तो मुझे लग बंदी ठीक है क्योंकि तो थोड़ा सा कोजी भी लगेगा मेरे ख्याल से। FPS भी शायद देखें एक बार लाइट ऑन करके, FPS बढ़ते हैं कमाते हैं, हल्का सा जिटर लग रहा है मेरे को, मतलब देखो अभी स्मूथ लग रहा है, तो लाइट की वजह से हल्का सा फर्क तो पड़ रहा है FPS में शायद। यार भाइयों यार चैट चूट करते रहो यार, ये देखो आ गया अखिल भाई का मैसेज, वाह मैंने भी सेट किया है, लेकिन वो इन गेम आते हैं क्योंकि इन गेम भी आते हैं। आईटीएच भाई बोल रहे हैं साउंड थोड़ा ज़्यादा है, एक्चुअली इसका साउंड ना पता नहीं क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये वही सेम साउंड है जिसके ऊपर हम ऑलवेज प्ले करते हैं। रुद्र भाई बोल रहे हैं भाई रात के 12 बज रहे हैं इंडिया में, तो हाँ इंडिया में 12:03 हो गए पूरे एग्जैक्ट। भैया यहाँ पे हो चुका है वीकेंड स्टार्ट लंबे वाला, कल मेरी छुट्टी है, परसों तो सैटरडे संडे की तो मेरे को छुट्टी होती है, इस हफ्ते इस वीकेंड पे मेरे को 2 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा मिल रही हैं, एक तो शुक्रवार की और एक मंडे की, तो मंडे तक आप एंजॉय करो, मंडे तक लाइव स्ट्रीम ही लाइव स्ट्रीम होगी, नो टेंशन एंजॉय करो। और जो अगली लाइव स्ट्रीम आने वाली है दोस्तों यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हो, जब आप चैनल के ऊपर जाओगे RSGS के ऊपर तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन अलग से दिखता है, आपको पता ही है वैसे तो अपकमिंग लाइव स्ट्रीम जिसमें देखो, और डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर तो सारी आ ही चुकी हैं, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। कैप्स आउट अंदर से ज़्यादा है कि बाहर से, जब मैं बाहर का व्यू करता हूँ तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको फिर। अंकित भाई बोल रहे हैं आपके पास कौन कौन से रूट्स हैं रेलबॉक्स में? फास्ट लाइन गेम्स के सारे हैं, अगर कोई नया रूट आया वो तो मुझे पता नहीं फास्ट लाइन गेम्स का, लेकिन फास्ट लाइन गेम्स के सारे हैं। HR गेम वर्ल्ड का रूट काम नहीं करता पता नहीं क्यों, वो मैंने अपडेट करने की कोशिश की है लेकिन अपडेट हो नहीं रहा। आईटीएच भाई बोल रहा है और आपने सरप्राइज स्ट्रीम भी शुरू किया है? सरप्राइज स्ट्रीम शुरू नहीं किया, सरप्राइज स्ट्रीम एक तो पिछले हफ्ते हो चुकी, आपने देखा ही है एज ऑफ एम्पायर की, जो मैंने पिछले लाइव स्ट्रीम में बोला था ना कि आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो वो था ATR की लाइव स्ट्रीम MSFS में, ATR की एक तो वो मैंने एक सरप्राइज बोला था, अभी आप गिनना, एक तो ATR की लाइव स्ट्रीम होगी वो उसको सरप्राइज बोला है मैंने, जो दूसरी है ना वो है हमारी अभी आपको कल सुबह पता चल जाएगा कौन सी है, और उसके बाद एक और सरप्राइज होने वाली है, तो इस हफ्ते 3-3 सरप्राइज, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। रीज़न उसका ये है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, 4 छुट्टियाँ, 4 छुट्टियों में मस्त धमाल करना है। ITIG भाई का मैसेज, ATR MSS में CRJ, सॉरी ATR नहीं CRJ, सॉरी। पुरुषोत्तम भाई मिडनाइट लोको राइड, नहीं मिडनाइट नहीं, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन लाइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, क्लाउडी वेदर है ना जिसकी वजह से आपको जो लाइटिंग है बाहर की वो दिन पूरा उजाला निकला नहीं हुआ, क्लाउड्स की वजह से हल्का सा डार्क है। HR गेम वर्ल्ड के सेंट्रल रेलवे रूट नया आया है, भैया आया तो है लेकिन उनका जो पुराना रूट है वही नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा नए रूट के साथ। इसके बाद वैभव भाई बोल रहे हैं ATR की आप कब करोगे? एक CRJ की और ATR की कब है? ATR की नहीं है अभी, ATR तो मैंने सीखा ही नहीं है, CRJ तो मैंने पहले अप्लाई कर रखा है, तो मैंने प्रैक्टिस की थी एक्चुअली CRJ की ऑफलाइन, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस की, तो यार एक बात बताऊं,
सीआरजे की जो लैंडिंग हुई है ना, मैं दिल्ली में करवाई है, इतनी ज़बरदस्त लैंडिंग हुई है उसकी, क्या टच डाउन, आराम से टच डाउन, और जो टायर्स की साउंड आई है जब टच डाउन के टाइम में, बड़ी सॉफ्ट, मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल मक्खन से भी मक्खन हुई, मज़ा आ गया। अभी लाइव स्ट्रीम में देखते हैं क्या रहता है, फिर पता चलेगा। रुद्र भाई बोल रहे हैं यार सेंट्रल रेलवे कॉस्टली है बट बहुत, कितने का है वो और कितने किलोमीटर का है? इसके बाद आई टी जी पर बोल रहे हैं अभी होली ऑफर चल रहा है। वैभव भाई बोल रहे हैं सीआरजे तो इजी, भैया ये बात गलत है, पता क्या इजी कुछ नहीं होता। मतलब सीआरजे भी ऐसा तो नहीं है ना, सेसना जैसा तो नहीं है कि चार पांच स्विच ऑन किए और चल पड़ा, नहीं नहीं इजी कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक का जो फील होती है ना और एंजॉय होता है उसका, साउंड्स हो गई, उसका प्रेपरेशन करना है, कॉकपिट का डिज़ाइन हो गया, हमारे पैसेंजर का जो कैबिन है उसका डिज़ाइन हो गया, जो आप फील करते हो एंजॉय करते हो फ्लाई करते हुए, और जो एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग है सबसे बड़ी बात, वो उस चीज़ का फ़र्क होता है। इसके बाद 800 रुपये के आसपास मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी ठीक है यार, जो साउदर्न रेलवे जो एक पता नहीं कौन सा आया था पहले, वो तो बहुत महंगा था बोइंग के कंपैरिजन में। एक्चुअली बोइंग में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब आप फ्लाइट प्रिपेयर भी करते हैं ना उस टाइम में, एटीआर में, सॉरी सी आर में, बार बार एटीआर में, सीआरजे में थोड़ी सी उससे कम है और एयरबस में सबसे कम है। एयरबस तो ये सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप विद इन 5 मिनट्स एयरक्राफ्ट को रेडी कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि मैं 5 मिनट आपको ज़्यादा लगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि 5 मिनट में एयरक्राफ्ट रेडी हो सकता है, और 737 में टाइम लगता है भैया, उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे लगेंगे। शतम भाई बोल रहे हैं रैप फॉर लोकोमोटिव में जब आप एक्सेलरेट करते हो तो स्क्रीन पे नोच भी बढ़ता है, ध्यान से देखो एक बार, नोच का मतलब जो ये वाला मूवमेंट होती है, ये वाली बोल रहे हो आप? इसके बाद वैभव भाई बोल रहे हैं सबसे तो 320 है, कोई आपने दो वीडियो देख लो सब अच्छा। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू महबूब भाई। लेकिन हाँ, लेकिन वो काफ़ी काफ़ी कुछ ऑटोमेटेड है ना, जैसे उसमें हमको क्या नाम है 737 में यार बहुत बहुत चक्कर पड़ता है। रुद्र भाई बोल रहे हैं इंडियन ट्रेन में सिमुलेशन गेम प्ले मेरे आज ही ऐसे वर्जन 1 बाय किया है OHE के साथ, बस वेट कर रहा हूँ कब अप्रूव होगा, वेरी एक्साइटेड। अच्छा अच्छा रुद्र भाई, नाइस, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस भैया। हमारा अभी जो चल्ला कुडी है उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन जो अभी हमारा डिस्टेंस बाकी है वो अराउंड 12.25 किलोमीटर करीब है, 7:21 का ऑप्शन टाइम ऑफ अराइवल, 7:17 अभी हमारा दिखा रहा है, तो आई थिंक वी आर गुड। और एक बार बाहर से देखें यार ये, ओह ये देखो क्या बात है यार, स्क्रीनशॉट। यार गाड़ी चलती है करके यार, MSTS इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता यार, मुझे नहीं लगता कि वो इसके कंपैरिजन में है। स्क्रीनशॉट अल्टीमेट यार, क्या देखो, ब्यूटीफुल सीनरी, क्या ब्यूटीफुल रूट, क्या ब्यूटीफुल वेदर, सब कुछ ओके जी। तो यहाँ पे दोस्तों को स्पीड लिमिट हमको वही फॉलो करनी है जो हमको खुद में दिखाई दे रही है, थ्रोटल मैंने कर दिया आइडल, अरे वो शेड की वजह से मैंने उधर घुमाया, जब उधर घुमाया तो उधर भी शेड आ गया। तो चलिए ब्रेक अप्लाई की जाए अराउंड 50 किलोमीटर की, 50% ब्रेक्स, लेकिन 50 से बात नहीं बनेगी, 75% अप्लाई करके देखते हैं। स्पीड हमको चाहिए 60 की, चलिए भाइयों 60 की स्पीड हमारी हो गई है, और थोड़ा सा फर्क है, इसको भी चलो कर देते हैं ठीक। क्या जबरदस्त व्यू आ रहे हैं यार, और क्या चाहिए यार आपको, कलर देखो स्काई में यार, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ फैन हो गया हूँ स्काई का इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है यार, स्पीड हमारी कम होती जाएगी शायद, वो देखने के बाद, एक मिनट, डिस्टेंस कितना बाकी है अभी हमारा, 9 किलोमीटर बाकी है, तो इसको हुड को ऑन ही रखते हैं यार,
क्योंकि फुट को ऑन रखेंगे तो पता चलता रहेगा स्पीड हमको क्या चाहिए। क्या सही व्यू है यार आपको, मैंने वो नहीं दिखाया ना अभी, स्टेशन स्किप नहीं दिखाया, वो दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसके बाद आता है भैया रुद्र भाई का मैसेज, अच्छा ये इसके बाद वैभव भाई बोल रहे हैं आपने तो इतने प्लेन उड़ाया लिया है कि आप तो अब क्वालिफाइड बन जाओगे। QFI क्या होता है मेरे को पता नहीं। इसके बाद अरे यार स्पीड ज़्यादा हो गई हमारी, 1 मिनट। इसके बाद है मतलब गियर बैठाते हैं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के बीच वॉल स्क्रीन पर, बदलते हैं मतलब गियर बदलते हैं लोको पायलट और से लोको पायलट के बीच वाली स्क्रीन पर। इसके बाद आईटीज भाई रुद्र भाई गेमिंग थम्स अप। इसके बाद स्क्रैम्बल के टाइम हमें अपने एयरक्राफ्ट 5-10 मिनट में स्टार्ट करके रनवे पे होना पड़ता है। इसके बाद आईटीज भाई, हाँ वो स्क्रीन पर दिखता है भाई, MSTS का गेम इंजन पुराना है काफ़ी, इसलिए शायद इतना लेवल का रिज्यूम नहीं मिलता आई गेस। रुद्र भाई एक्चुअली पुराना तो पुराना, एक्चुअली उसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि वो 15-16 साल पहले ना उसकी सपोर्ट बंद हो चुकी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको अपनी तरफ से ही बंद कर चुके हैं वो 15-16 साल पहले। ओए होए क्या देखो ट्रेन पूरी की पूरी जबरदस्त। तो माइक्रोसॉफ्ट जब अपनी तरफ से उसको बंद कर चुका है इतने साल पहले, तो अभी तो उसका तो पुराने से भी पुराना हो चुका है सब कुछ। इसके बाद आईटीजी भाई बोल रहे हैं जब थ्रोटल बढ़ाते हैं, अच्छा जी ओके। इसके बाद रुद्र भाई का मैसेज, चलो भाई मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट जी। वैभव भाई बोल रहे हैं क्यों भाई क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, अच्छा वाह क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है वैभव भाई। तो भैया अभी 7 किलोमीटर की जर्नी बाकी है, अभी नहीं जर्नी नहीं मतलब रेलवे स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर बाकी है। और मैं आपको ये भी जानबूझ के दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से यार एक सीनरी, उसमें चलती हुई ट्रेन, स्काई, आसपास का वातावरण सब दिखाई देता, तो ये बड़ा सही लगता है। यू मे नाउ इंक्रीज योर स्पीड, सी स्पीड लिमिट ऑन गुड, ओके 120 की आ गई है तो वी कैन इंक्रीज नाउ, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जो लास्ट कोच है ना जब तक वो नहीं निकलता तब तक हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। वाह भाई प्लीज़ लाइक कर देना यार, बार बार आपको बोलता हूँ, कभी तो सुन लो मेरी फरियाद। लास्ट कोच निकलने वाला 120 के लिए, हमको उसके लिए कोर्स करना पड़ता होता है और वो टफ होता थोड़ा, मैथ थ्योरी और फ्लाइंग में दोनों, अच्छा थ्योरी थ्योरी और फ्लाइंग में दोनों। तो चलिए दोस्तों थ्रोटल मैंने बढ़ा दिया अराउंड 70% कर दिया, 2.5 मिनट का हमारे पास ग्रेस टाइम है तो 2.5 मिनट बाकी है हमारे पास पहुँचने के लिए। चलिए थोड़ा सा व्यू को चेंज किया जाए, अभी मैं आगे से आगे की बजाय यहाँ से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आगे आ क्या रहा है। ये खंभे मेरे सिर में लग रहे हैं तो थोड़ा सा व्यू मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि सिर में ना लगे, ये वाला व्यू कर देता हूँ। अगर 100 लोग आते हैं कोर्स के लिए तो कोई 3 बंदे हैं, QFI और वो पाइप और ट्रांसपोर्ट दोनों उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। स्काई कलर्स यार फ़ोन के ऊपर, तो जो भाई फ़ोन के ऊपर देख रहे होंगे ना उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा यार, क्योंकि फ़ोन के ऊपर तो कलर्स इतने बढ़िया आते हैं, अल्टीमेट कलर्स आते हैं। तो भैया यहाँ पे हमारा 4.5 किलोमीटर के करीब रह गया डिस्टेंस रेलवे स्टेशन तक का, तो आपको अराइवल मैं दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। आज हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द सिनेरियो हम जो अराइवल देखेंगे खड़े होकर देखेंगे प्लेटफॉर्म पे। मैं भाई बोल रहे हैं तो आप तो सिंगल QFI हो, अरे बाप रे नहीं यार वैभव भाई बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, ईमानदारी से बोलूँगा वो चीज़ें तो भी। हाँ 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 क्या भी है यार,
अभी हमारी 107 ही हो चुकी है, 110 से ऊपर जाना नहीं है हमको, और इतने हमारा स्टेशन ही आ जाएगा। तो मतलब अभी आइडल करने का भी टाइम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ 60 किलोमीटर से। वैभव भाई बोल रहे हैं आप तो अड्डा खोल दो, वर्चुअल फ्लाइट सिमुलेटर स्कूल। तो भैया स्टेशन हमारा रह गया थोड़ा सा दूर, तो अभी मैं ब्रेक लगानी शुरू कर दूँगा अराउंड 50% करने से। 50% सेट, 1.5 किलोमीटर बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद सफिशेंट होगा, लेकिन 100 पे डिस्टेंस है 1.32। मीटर के बाद है 10 किलोमीटर कम हुआ है, 300 मीटर में ब्रेक ज़्यादा लगानी पड़ेगी यार, इसको ब्रेक ज़्यादा ही चाहिए। ओके भैया, तो स्टेशन पे आपको लेके चलता हूँ पहले, और वहाँ से देखते हैं अराइवल हमारी गाड़ी का। प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ओए ज़्यादा हो गया, वो आ रही है हमारी गाड़ी मार्कर्स के साथ। या क्या लग रही है भैया, आप तो अड्डा खोल दो, इसका RSGS फ्लाइट सिमुलेटर स्कूल, इसके बाद हाँ ट्रेनिंग में फेलोअर्स एमरजेंसी। आहा हा, क्या ट्रैक चेंज हुआ है गाड़ी का, स्पीड हमारी ज़्यादा है अभी भी। चलिए स्पीड हमारी हो गई है सही, थोड़ा साइड में हो जाता है, कहीं साथ ही ले जाए गाड़ी हमको। ट्रेनिंग में फेलोर एमरजेंसी, कोई मिसअप हुआ जो कि नहीं हो भगवान की कृपा से, तो वो भी आना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर भी ऐसे हैं भाई, क्या करें, जितना मज़े हैं उतने ही रिस्की भी है। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। इसके बाद अब करोड़ों रुपए का जहाज है, टैक्स पेयर्स के पैसे का ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, 280 मीटर रह गया भैया, तो सेम स्ट्रेटजी करेंगे अप्लाई। 50% मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा जब 150 किलोमीटर रह जाएगा, सॉरी 100 मीटर रह जाएगा तब। सेम नहीं, थोड़ी सी अभी चेंज कर दिया स्ट्रेटजी। आप तो ऐसे QF5 प्लेन आप ट्रेन भी चला लेते हो। अरे बाप रे, इधर से मेरा ब्रेकिंग रह गई थी मेरी। आप तो ऐसे QF5 प्लेन तो प्लेन आप ट्रेन भी चला लेते हो, वाह आज तो कॉम्प्लीमेंट्स की झड़ी लगा रखी है वैभव भाई। ओ लास्ट कोच की जगह पे ही हैं हम अभी, ये देखो। अरे यार मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, ब्रेक लगानी पड़ेगी मेरे को। क्या स्क्रीनशॉट बन रहा है, आज तो कुछ ज्यादा ही स्क्रीनशॉट खींच रहा हूं मैं। चलिए जी, हमारा इसी के साथ दोस्तों डिपार्चर का टाइम देख लेते हैं। डिपार्चर हमारा होगा यहाँ से 7:05 पे, तो टाइम अभी हो रहा है 7:05 का तो निकल ही चुका है यार, ये तो यहाँ पे पहुँच गए हम अभी। 7:23 का टाइम है, तो
तो हमारे पास अभी 2.5 मिनट हैं, तो आगे चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर घुमाता हूँ थोड़ा सा, और देन आपको डिपार्चर भी वहीं से दिखाऊंगा। आसमान में देखो क्या तिकोना सा बना हुआ है, देखो। आर 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 तो बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। वैसे लंबा सफ़र तो नहीं, आरती है 24 और 12 मुझे लग रहा है, 15 और 35-40 किलोमीटर का ही सफ़र किया अभी। लेकिन जिस तरीके से सफ़र चल रहा है तो बहुत लंबा लग रहा है यार। ये सबके कपड़े एक जैसे हैं ना, अगर कलर होते, किसी ने चेक पहना है, किसी ने सिंगल कलर पहना है, कितना अच्छा लगता है यार। सिग्नल हमारा मिल चुका है हमको, बस पैसेंजर्स की वेट कर रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं ऊपर पुल पे। लो भैया, ये हमारा प्लेटफॉर्म का व्यू, ब्यूटीफुल। स्क्रीनशॉट भी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर दो, आधी मेमोरी तो आपकी स्क्रीनशॉट की होगी। नहीं, एक्चुअली मैं डिलीट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, जो मेंबरशिप शुरू की है ना, तो जो हमारे लेवल 1 के मेंबरशिप हैं, तो उनको एक तो शाउट आउट है, उनके सारे मैसेज पढ़े जाएंगे, जो भी है उनके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा, और साथ में स्क्रीन शॉट दिया है उनको, क्योंकि वो सबसे बेसिक प्लान है। जो उससे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं बेनिफिट्स। तो स्क्रीन शॉट मैं ऐसा कि पुराने जो मैं होता है ना वो डिलीट करता रहता हूँ, लेकिन अभी मैंने डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर एक चैनल बनाना है जिसके ऊपर मैं सिर्फ मेंबर्स को एक्सेस दूंगा, और उसमें सारे कंटेंट जो शेयर करने हैं मेंबर्स के साथ वो डालूंगा। तो स्क्रीन शॉट की एक जिप बना के डाल दूंगा, जिसको चाहिए होंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे, जिसको नहीं चाहिए होंगे नहीं करेंगे। क्योंकि तो मोहित भाई हैं बस सब मेम्बर, होपफुली 15-20 मेंबर और जल्दी जल्दी आ जाएंगे 1-2 महीने में। चलिए दोस्तों, चलते हैं कैब में और यहाँ से देखते हैं डिपार्चर हमारा इसी लोको पर से। ब्रेक सर्विस कर देते हैं, तो इसका ही टाइम है। तो 3 सेकंड पहले मैंने जल्दी जल्दी चला दिया। इसके बाद वह भाई बोल रहे हैं, हाँ थोड़े दिन आप वेट करना, मैं सेटल हो जाऊँ रेली जाके आपका सुपर फैन बनूंगा। अरे यार, ये यही तो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसको आप प्यार बोल लो, रिस्पेक्ट बोल लो, मोटिवेशन बोल लो, कुछ भी कह सकते हो, दिस इज फ्यूल एक्चुअली। लेकिन जैसे हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, उनसे यार मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मुझे यही होता है कि अगर लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा ना मैं, तो मुझे यही होता है कि यार वो भाई लोग वेट कर रहे होंगे जो हमारे रूटीन में रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं ना। और दूसरी बात देखो, ये कुदरती क्या चांस बैठा है, मुझे इंडिया जाना है, इंडिया जाके लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाऊंगा ना, इसीलिए मैंने आपको, मैं अभी बता नहीं सकता कितनी लाइव स्ट्रीम मैंने शेड्यूल कर रखी है। तो मतलब ये लगा लो कि हर दिन लाइव स्ट्रीम है, हर दिन, कितनी है वो नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये जो 4 छुट्टियाँ मेरे को आई हैं ना, इनका मैं भरपूर फ़ायदा लेना चाहता हूँ, ताकि यार आप भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट मैं बना पाऊँ, लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ, और उसके बाद क्या नाम है, जब मैं इंडिया में होऊंगा तो कम से कम ये तसल्ली रही कि यार मैं अपना जो काम है मैक्सिमम जितना मैं कर सकता था वो करके आया हूँ। सुपर फैन के लिए क्या स्पेशल है आपके पास? ये सुपर फैन के लिए ना मैं भी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि एक सरप्राइज़ आपको और देने वाला हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा कुछ प्लान चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा। और अगर मैंने आपको बता दिया कि वो सुपर फैन के लिए क्या चीज़ है ऐसा, तो वो फिर मेरा जो प्लान है वो एक्सपोज हो जाएगा। 60 से 70, 80 से 90 की स्पीड रखनी है, तो वो मेरा एक्सपोज हो जाएगा जो मैं करना नहीं चाहता अभी। तो लेट्स कीप इट सीक्रेट फॉर नाउ। सिक्सटी मैंने कर दिया। ये देखो भाइयों, क्या ब्यूटीफुल सीन। ओए,
इससे ज़्यादा बढ़िया स्क्रीनशॉट देखो कहाँ मिलेगा। अब ये जो स्क्रीनशॉट जो फ़ैन होते हैं ना, मतलब उन्होंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर लगा रखे होंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा मेंबरशिप का सबसे पहला मकसद जो है, वो ऐसे जो फ़ैन है जिनको स्क्रीनशॉट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, तो कम से कम उनको ये 4K स्क्रीनशॉट है जितने भी मैं ले रहा हूँ, तो कम से कम ये अपने अपने क्या नाम है उसके ऊपर, अपना कंप्यूटर के ऊपर लगा सकते हैं। कम से कम स्क्रीनशॉट का उनको बेनिफिट मिल सकता है, साथ में उनकी चैट। आज तो मैं सारी चैट पढ़ रहा हूँ, लेकिन यूजुअली अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ तो मैं सारी चैट पढ़ नहीं पाऊँगा। सिर्फ जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी चैट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा, आपको पता ही है। सुपर फैन के लिए अच्छा ये मैसेज हो चुका है। तो भैया हमारी जो स्पीड है 80 से 90 की रखनी है हमको, और कौन आया हो गया, तो दोनों ट्रेनें सेम सेम लग रही हैं। हमारी स्पीड 80 to 90 रखनी है और 4.5 किलोमीटर रह गया। इरिंजल रिंजला कुड्डा प्लेटफॉर्म नंबर 2। आज मेरा प्लान है, अभी यहाँ लाइव स्ट्रीम करने के बाद मुझे जाना है बाहर। बाहर खाना खोना खा के आऊँगा मैं, बढ़िया फोटोज़ मैं शेयर कर दूँगा अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर, और साथ में क्या नाम है इसका, रात को आके फिर एक बढ़िया सीरीज़ या मूवी देखी जाएगी। ऐसे मज़ा आता ना पूरा प्लान करके। अल्टीमेट मतलब आपका जो भी प्लान होगा उससे आप किसी के भले के लिए लगा देना। वो एक्चुअली ऐसा प्लान नहीं है, वो जब मैं आपको पता क्या है यार, कुछ भी आप सोच सकते हो कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन जब आपको पता चलेगा क्या है देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। लेकिन हाँ जो आप बात बोल रहे हो वो एक क्या होता है, हमेशा वो कंसिड्रेशन में रहती है कैसा होना चाहिए। तो वो तो भैया बिल्कुल सही बात है आपकी वैभव भाई। तो ये जो चीज़ है ना, क्या नाम है, एक हिस्सा अपनी जो कमाई का जो होता है ना, कुछ भी आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या नाम है, सोशल मीडिया के ऊपर आप इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, तो आपको कुछ हिस्सा अपना उस अर्निंग का निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो वो चीज़। तो भैया स्पीड लिमिट हमारी 80 की ही है और 80 की चलेगी, तो मुझे लग रहा है मैंने मुगलियाँ ज़्यादा खा ली। पहले जो आपको बताया वो खा लिया जो मोजम्बिक से आया मुगलियों जैसा, और उसके बाद मैंने मुगलियाँ खा ली और मेरा पेट अभी पेन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके भाइयों, तो सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस रह गया, थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया, तो मैं थ्रोटल को आइडल कर रहा हूँ और यहाँ से हम अराइवल देखते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है ना उसका। थ्रोटल मैंने आइडल कर दिया, आगे जाने का कोई टाइम नहीं है। उसके बाद आपकी चैट करूँगा। हाँ जी, हम तो भाई सीधे साधे व्यूअर्स हैं, आपको सपोर्ट ही करेंगे, बाकी भगवान ने इतना दिया है, अगर हो सके तो आगे कोई नया प्लान बने उसको आप इसमें लगाना। नहीं, वो तो पता है क्या, वो आगे के प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो इवन के अभी की बात करूँ तो अभी भी यह बस यही कोशिश रहती है कि वो चीज़ें करते रहें, सिर्फ ये नहीं है कि आगे का प्लान या कुछ और। तो वो तो एक क्या नाम है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि ऑलरेडी चल ही रहा है। भाई बोल रहे हैं हमारे एयरफोर्स के एक स्पोर्ट विंग है, मतलब हम लोग, एक मिनट तो मैं यहाँ पे ब्रेक्स को हटा रहा हूँ क्योंकि हमारी स्पीड हो चुकी है बढ़िया कम ऑलरेडी, आगे चलते हैं लोकल में। स्पोर्ट विंग है मतलब हम लोग नाग बच्चों के लिए 10,000 कंट्रीब्यूट करके अपनी तरफ कुछ करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज का खर्चा, कपड़े बुक्स वगैरह हम लोगों ने और इनिशिएटिव लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया ये चीज़। तो यार भैया ना, अगर आप कुछ कर सकते तो यू शुड डू इट, लेकिन जो भाई आप वो बात बोल रहे हो ना, कोई कोई लोग समझते हैं और एक तो समझ ही नहीं आती ये बात। तो जो ये आप बात बोल रहे हो ना, फॉर मी इट इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग, और
इट डजेंट डिपेंड अपॉन न्यू वेंचर और वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। हो सकता है कि मैं अपना जो यूट्यूब स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यू ऑल्सो डोंट नो। तो लेट्स कीप इट सीक्रेट फॉर नाउ, थोड़े दिनों में आपको बता दूंगा होपफुली, अगर सब सही रहा तो। एंड आई जस्ट विश के यार वो हो जाए। तो भैया यहाँ पे हमारा जो है सेकंड लास्ट स्टेशन आ गया, और 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है हमारी। 2 घंटे मतलब जर्नी स्टार्ट हुई आप कह सकते हो कि 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन 1 घंटा 50 मिनट का जो इसका ड्यूरेशन दिया गया ना, तो वो मिसमैच कर रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक का एक बच्चा डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था, तो उसको हमने सपोर्ट किया। वेरी गुड वेरी गुड। लर्क इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम प्ले इज नाउ लर्किंग, दे विल बी मिस्ड। यार ये लर्क होता क्या है मुझे खुद नहीं पता इसका। चलिए दोस्तों ब्रेक सप्लाई कर रहा हूँ मैं 40%, होपफुली जब तक पहुँचेगी गाड़ी हमारी वहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। स्टॉपिंग पॉइंट तक तो वो आर्मी के लिए सिलेक्ट हुआ है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर बनने के लिए। अच्छा, वर्क एंड लिसनिंग। ओके ओके ओके, मैंने बना तो दिया था इसका, मतलब मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा यार क्या है ये। लो भाई ये वी आर देयर। ला लग गई भाई गाड़ी हमारी अपने स्टॉप पे, और बस अगला स्टेशन दोस्तों लास्ट है, जो कि यहाँ से थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना दूर है, और यहाँ से हमको निकलना कितने बजे है ये भी, जैसे ही हमारी लोडिंग हो जाती है पूरी, येलो सिग्नल हमको मिला हुआ है, तो वी विल डिपार्ट एज सुन एज वी विल। तो यहाँ पे चलते हैं हमारे, ये देखो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड पार्ट वन, थैंक्स फॉर ड्राइविंग सिनेरियो बाय अंकित। है इतना जल्दी तो एक यार ये तो आ गया है, ये देखो 23 किलोमीटर आ गया है यार। आई थिंक ये मैसेज पहले आ गया शायद, तो चलिए निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। एक बार मैं थ्रोटल 20% ही दे रहा हूँ, और मैप में जाके चेक करते हैं क्या है। अंकित भाई आप हो यहाँ पे, तो बाकी आ गए हमारा ट्रैक सही है। ये देखो हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म रहता है यार, मैं भी सोचूं कि इतना जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में खुद आपके आपसे पूछा था ये। अच्छा, मुझसे पूछा था, मैंने शायद कहीं से देख के बताया होगा उस टाइम भी मैंने, जो आप अगर आपने मुझसे मुझसे पूछा था ना, आई थिंक मैंने कहीं से पढ़ा होगा, तो बताया था पढ़ के स्टार्टिंग में। वैभव भाई बोल रहे हैं हमको बहुत खुशी हुई कि हमने उसको सपोर्ट किया, और उसका परिवार है नहीं, फिर भी उसका जज्बा उसके इमोशन से बड़ा था और वो सिलेक्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है वैभव भाई, ये चीज़ बहुत बड़ी। एक्चुअली पता है इंडिया में टैलेंट बहुत है, और बहुत आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन चक्कर ये होता है कि उनको प्रॉपर ये लगा लो क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाती कई बार सब बच्चों को, तो वो एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाती है, बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही अगर हर एक बंदा सपोर्ट करे ना, तो यार इंडिया में बहुत बहुत टैलेंट है, बहुत। थ्रीशूर है ना डेस्टिनेशन? हाँ जी हाँ, मैसेज जल्दी आ गया है, अंकित भाई ने भी बोल दिया सपोर्ट। स्पोर्ट क्या कह रहे हो? ये देखो यहाँ पे बाहर अंधेरा हो गया बिल्कुल, और जो इसकी लाइट है ना एमरजेंसी लाइट वो भी डिम हो गई है, और देखो मेरा चेहरा रेड दिखाई दे रहा है, और बाकी सब कुछ थ्रोटल में कर रहा हूँ आइडल। स्पीड हमारी हो गई है काफ़ी, थोड़ी सी ज़्यादा, 4 किलोमीटर ज़्यादा। स्टेशन मास्टर जी भी साथ में ही है हमारे, उन्होंने डंडा लेके मेरी वो क्लास लगा देनी है। वैभव भाई बोल रहे हैं हाँ, हमारा इनिशिएटिव ये है कि फौज ज्वाइन करो और अपने अपना खुद का एक परिवार बनाओ। भैया स्पीड लिमिट
लेकिन अभी जो हमारा पहुंचने का टाइम है दो, अरे यार ये क्या है, अंकित भाई थोड़ा सा टाइम भी मिसमैच हो रहा है, 7:35 हो चुके हैं, हमारा ऑफिशियल टाइम ऑफ अराइवल त्रिशूर में है 7:43 का, मतलब बस सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं और 23 किलोमीटर हमको कवर करना है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है शायद, पावर कट लगा हुआ है, पावर कट नहीं लगा हुआ, मेरा जो रूम का स्विच है ना, तो वो जब मैं उसको ऑन करता हूँ ना तो वो ट्रिप हो जाता है कभी कभी, और जब वो ट्रिप होता है ना तो मेरे रूम की सिर्फ लाइट बंद होती है, बाकी सारे सॉकेट चलते हैं, और जहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है ना एक वो सॉकेट बंद हो जाता है जो कि दूसरे रूम में है, तो अभी जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था ना तो लाइट ऑन थी उस टाइम में, तो ट्रिप कर गया, ये खुशी रही कि कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, सिर्फ लाइट बंद हो गई और वाईफाई बंद हो गई, फिर मैंने वाईफाई को दोबारा चलाया और तब से मैं ऐसे ही बैठा हूँ, एमरजेंसी लाइट लगा रखी है लेकिन अभी इसकी लाइट भी डिम हो गई है। इसके बाद है भाई फौज, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे वाह, बहुत बहुत पॉजिटिव बात बोली आपने, बहुत ज़बरदस्त बात बोली है भाई, आगे बोल रहे हैं, और वो इतना सिंपल और हम्बल है, उसके बहुत मीडिया कंपनीज इंटरव्यू देना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद आता है कि इट्स ओके, इग्नोर दैट टाइमिंग, वो लास्ट स्टॉप आप कभी भी पहुंचिए, ठीक है जी। वह भाई आगे बोल रहे हैं, उसने यही बोला कि भैया मुझे मीडिया की चकाचौंध नहीं। आगे का ना जो दिल के नीचे दबाव का वर्ड, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, जैसे वो दिल से बाहर निकलता है धन्यवाद। भाइयों फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन विच इज त्रिशूर, प्लेटफॉर्म 3, 21.25 किलोमीटर के करीब रह गया, और होपफुली हमारी ये जो जर्नी है अगले, अब जो जो टाइम दिखा रहा है उसके हिसाब से 14 मिनट की बाकी है, स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से उसको थोड़ी सी कम हो जाए, 14 मिनट का मतलब 14 और 8 22, 9:22 पर हमारी ये हम पहुँच जाएंगे, पहुँचने चाहिए हमारे डेस्टिनेशन पर। ओहो यार, मुझे बाहर खाना खाने भी जाना है, साउथ अफ्रीका में बस एक ये एक गड़बड़ है बात, कि यूजली ना यहाँ पे 9, 9:30 बजे ना ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, जो 24 आवर सर्विस है सिर्फ आपको वही खुली मिलेंगी, इंडिया में तो ये होता ना कि मेट्रो में आपको तो 11 11 बजे तक, 12 12 बजे तक भी आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना 9 बजे ही आप ये मान के चलो 9 9:30 बजे ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं। स्पीड हमारी हुई 113 की, 7:51 मिनट 18 सेकंड दिखा रहा है वो। तो हमारे जो गार्ड साहब हैं रोड पे खड़े होकर यात्रा काम ले रहे हैं, अंदर सब कुछ उनका प्रॉपर सेट हुआ पड़ा है, पंखे पुखे बंद है क्योंकि बाहर की ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं। टोटल 100% देख रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाती है, कितनी स्पीड तक जाती है, 1 मिनट यार इसको मैं सेव भी कर लूँ। आपका मैसेज था चकाचौंध नहीं, कंधे पे ऑफिसर के वो सितारे चाहिए। साथ ही क्या मैंने 15 दिखा रहा है, और अभी हमारा डिस्टेंस बाकी है 17.5 किलोमीटर, 126 की स्पीड है। अरे वाह क्या भाग रही है गाड़ी यार, अब तो प्रॉपर ये एक्सप्रेस ट्रेन का की फील दे रही है। अंदर चल के देखें थोड़ा सा, अंदर से हाई स्पीड की फील दे रही है। 131 की स्पीड, ये ट्रैक की साउंड आती है ना कभी कुछ कभी कुछ, मजा आया था सुन के, वही आ रही।
पंच तो हम बहुत रेस करते हैं, मतलब हर कोई दस्तियाब देता है अपनी पिछल से। इसका हॉर्न जबरदस्त है यार, बहुत बढ़िया हॉर्न। ये आप नीचे देखो जो किलोमीटर बता रहा है ना, अभी वो 0.2 को स्किप मार रहा है। पहले 0.1 को स्किप मारता था, अभी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है तो उसके हिसाब से स्किप स्किप मार रहा है। स्किप यार जबरदस्त यार, धूम मचा रखी है ट्रेन में और यहाँ से साउंड भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब आपको ऐसे पहुँच के मैं डोरमी में लेके चलता हूँ। यह है पूरी फील 137 किलोमीटर प्रति घंटा की। क्या मजेदार यार साउंड आ रही है। 12.5 किलोमीटर है क्या? तो कुछ ज्यादा तेज लगी है गाड़ी। तो ये 137 तक खींच रहा है यार, वेब 4 बहुत बढ़िया है। यहाँ तो जो बंदा डोर में खड़ा होगा ना, वो तो ऐसे झटके से एकदम हिल गया होगा। भैया 25 सेकंड में 1 किलोमीटर हो रहा है 137 की स्पीड पे। दोबारा चेक कर दूंगा। मौजब हो जाएगा। 17:43:17 सेकंड। मेन लाइन आ रही है, एक बार मैं सेव कर लूँ। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। 17 सेकंड थे ना तब, 8 पे देखते हैं कितने। 43 मतलब 26 सेकंड हो गए, 25-26 सेकंड में 1 किलोमीटर पूरा रन मार लिया ट्रेन उत्तरी। भाइयों प्लीज़ लाइक कर देना 137 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की के लिए। मेरे लिए नहीं करना, मत करना, लेकिन स्पीड के लिए कर दो, ट्रैक साउंड के लिए कर दो। 7 किलोमीटर रह गया बस और ये स्टेशन के मजा आ जाएगा आपको। वाह यार वाह, अभी मेरे को हल्का स्पीड कम करना पड़ेगा। रीजन उसका ये है क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि जो रास्ता है ना ट्रेन का, थोड़ा सा वो आ रहा है खतरनाक वाला। 110 की स्पीड के ऊपर चलाएंगे अभी ट्रेन। नॉट मोर देन और ये हो गया, अगर 137 की स्पीड पे यहाँ से गाड़ी निकलती है तो काम हो गया था हमारा। थोड़ा सा स्पीड 45% टोटल कर रहा हूँ, लग रहा है कि ये सही है स्पीड और इसको ऑन कर लेते हैं। आगे चढ़ाई भी आ रही है तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी, प्रॉब्लम में बढ़ा रहा हूँ अराउंड 60%। वाह यार क्या रन थ्रू दिखाया गाड़ी ने,
रखनी होगा ना, क्या बोलेंगे इसको, क्या स्पीड दिखाई है गाड़ी में, ये बोल आगे चढ़ाई आ गई। किशोर वी आर कमिंग एंड फोन करके देखें, लगन आ रही है। मैं थ्रोटल को आइडल कर दिया मैंने, देखते हैं अपने आप स्पीड कम होगी ट्रेन की। 108 चढ़ाई भी है तो फर्क पड़ना चाहिए इधर से। बिना ब्रेक लगाए देखो चढ़ाई की वजह से क्या स्पीड कम होगी। अभी ऑलमोस्ट देयर, तो डोरवी से अराइवल देखते हैं हमारा फिशू का। ये कितना ऊंचा लगा रखा है, इसका कोई फायदा है? इसलिए लगाया जाता है ताकि ऊंचे वाहन क्रॉस ना कर पाए, और ये ऑलरेडी इतना ऊंचा लगा रखा है कि जितना मर्जी ऊंचा वाहन हो क्रॉस कर जाएगा। चलिए भाई, अब इतनी हाई स्पीड रन के बाद फाइनली वी आर रिड्यूसिंग अवर स्पीड फॉर अवर अराइवल एट फिशू। आठ और सात कितने होते हैं, 15। 15 मिनट में आ गई हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी। वाह यार, धक 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 धक। 45 मेरे ख्याल से हमको स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस करनी चाहिए, अराउंड 30 की करनी चाहिए, तो थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ, 30 से कम होनी चाहिए। जिस हिसाब से ब्रेक लग रही है, ये देखो जिस हिसाब से ब्रेक लग रही है ना, तो ये तो स्टेशन पार कर जाएगी तो भी 30 से कम नहीं होगी। थोड़ी सी ब्रेक को मैंने बढ़ा दिया अभी। ये देखो क्या हिल रहा है, फिजिक्स देखो हमारे कोचिस की। तो यह है मजा भाई, और टाइम हो गया 9:10, 11, 12, 12:30, 1:15 हो गया इंडिया में। त्रिशूर में आपका स्वागत है। हम तो बैक टू बैक कितनी लाइव स्ट्रीम हो गई यार, ट्रेन सिमुलेटर की सारी इसी रूट के ऊपर हो रही है, क्योंकि यार दूसरे रूट में कोई भाई लोग बना ही नहीं रहा। बढ़िया सिनेरियो है भाई, बोल रहे हैं 12:50 AM। हाँ जी, लो भाइयों फाइनली वी आर हेयर। स्पीड अपने आप बढ़ रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी ब्रेक लगा देते हैं। प्लेटफॉर्म भी आ गया हमारा, 2250 मीटर रह गया। एक और बात बतानी थी, मैं बहुत ही मैं भूल ही गया था। हाँ हाँ बताइए। सॉरी
7:50 पे दोस्तों गाड़ी पहुंच गई है हमारी, गाड़ी तो बढ़िया पहुंच गई है। भाइयों प्लीज़ एक बार फिर से गुजारिश, लाइक सब्सक्राइब शेयर धन्यवाद। मैंने आपकी स्ट्रीमिंग कंटेंट अपने दोस्तों को दिखाई थी तो उनको बहुत अच्छी अच्छा लगा आपका काम और वर्क एथिक्स। अरे वाह वाह जी वाह वाह वाह, ये तो प्रभु भाई यार कमाल ही कर रहे हो आज तो, इतने मेरे को सरप्राइज दे दिया ना आपने और इतना अप्रिशिएट, वाह जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई भाई। बस यही है कि यार देखो पता है क्या, जब आप मैच्योर हो जाते हो ना और जब आप फैमिली वाले होते हो साथ में और जब आप आपको जो पीछे से क्या बोलते हैं उसको मम्मी पापा जो समझाते हैं तो उसी का वो है कि यार हमको यहाँ पे अपना एक अच्छे तरीके से काम करना है और बढ़िया तरीके से करना है, ईमानदारी के साथ करना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बस वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वैभव भाई, और मेरी तरफ से आपको अपने सब फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलना, उनको बोलना बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अप्रिशिएशन का, थैंक यू वेरी मच। इट्स फ्यूल, मैं अगेन वही बोलूँगा कि चाहे हम मिले नहीं हैं लेकिन इट्स फ्यूल, इट्स फ्यूल। आपका मैसेज रीड हो जाए, मैं दोबारा देखता हूँ ताकि अगर हो जाता तो हट जाएगा। अरे ब्रेक लगा, ट्रेन पीछे पीछे को जा रही है हमारी। यहाँ पे दोस्तों टी काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी आर डन विद अवर सिनेरियो। तो चलते हैं एक बार बाहर हमारे लोको के सामने, कहाँ है हमारा लोको, ये रहा। चलिए थोड़ा सा पास चलते हैं और दोस्तों यहाँ पे हमारी जो जर्नी है इसको कर देते हैं खत्म। और ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो आज मेरे को मजा आ गया। और वर्क एथिक इसके बाद है, उनको सब्सक्राइबर्स से मतलब नहीं था, उनको कंटेंट बहुत रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो भी पायलट हैं तो वो बहुत ऊंचे लेवल पे रिलेट कर पा रहे थे। अरे वाह अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई फॉर ऑल दिस थिंग्स, सच्ची बहुत दिल से शुक्रिया। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपने बात की, जिनको आपने कंटेंट दिखाया, हार्टली वेरी 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 थैंक यू भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज की जर्नी है वो होती है ख़त्म और हम मिलेंगे अब दोबारा अगली लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत टाइम हो गया, रात बहुत लेट हो गई है। इसके बाद अगला मैसेज भी आ रहा है कि आप आईटी में वर्क करते लेकिन अपना एक पैशन फॉलो कर रहे हो, टाइम निकाल के लोगों के लिए स्ट्रीम कर रहे हो, एफर्ट अप्रिशिएट किया। अरे वाह शुक्रिया जी शुक्रिया। एक्चुअली पता क्या, जब मैं स्ट्रीम करता हूँ ना तो खेल तो मैं अकेला भी सकता हूँ लेकिन जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो आप सबके साथ बहुत मज़ा आता है, बातें करने में, एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मज़ा आता है सच्ची। तो वो एक अलग अलग लेवल पे चीज़ चली जाती है, मतलब जो एक क्या नाम बोलते हैं उसको, अकेले बैठ के यार एक चीज़ को करना और एक सबके साथ करना बैठ के, दोनों में फ़र्क है तो मज़ा आता है। और अगर लाइक माइंडेड भाई लोग मिल जाएं उस टॉपिक के ऊपर हमारी बात होती है तो यार उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इतने कम टाइम में आपने एवियोनिक्स की इतनी सारी चीज़ें लिटरेचर पढ़ के सीख लिया, मैंने हाँ टाइम बहुत लगाया है इसको सीखने में ना, एक एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि यार हर एक चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए। मैंने कई वीडियोस देखी, किसी में कोई बटन कभी दबा रहा है, कोई बंदा कभी कोई कभी दबा रहा है। हाँ अगर मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला जो प्रॉपर मुझे बता पाए कि यार किस तरीके से होना चाहिए तो बात अलग है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। ओके आई टी जी भाई गुड नाइट। तो उनको वो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि अगर आप मज़े मज़े में सीख गए तो हम तो पायलट हैं, हमारा तो काम ही वही है। भाई क्या बोलूँ, शुक्रिया। और आप सबके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मिलते हैं कल की लाइव स्ट्रीम में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट भाइयों, कल मिलते हैं। ओके भाई गुड नाइट।